रही है? कौन हो तुम लोग? ए बी सी डी ई एफ जी समझा? मतलब कि पवन कल्याण की बालू फिल्म के हकदार हो? नहीं, उसके रिश्तेदार हैं। ए बी सी डी ई एफ जी अ बैच कैन डू एवरीथिंग फॉर गैंग। बचाओ बैंग बैंग लीडर। गैंग लीडर के बच्चे मेरे दुकान क्यों तोड़ने में लगे हो? मेरे मामा पता है कौन है? आईजी। आईजी साहब ने कोई नकली सीडी बनाने के लिए कहा है क्या? हमारे यहाँ नकली सीडी नहीं बनाई जाती है, सारी ओरिजिनल है, नहीं तो आप लोग देख सकते हैं। में देखने वाली बॉस की फिल्म को इस तरह बेइज्जती से पायरेसी सिटी में बेचता है क्या? हैं? इस सीनो से पंगा लिया ना तो चेहरा बिगड़ जाएगा। सीनो बेचना ही नहीं, देखने की भी बात करनी चाहिए। क्यों जी? 70mm स्क्रीन पर डीटीएस इफेक्ट के साथ देखने वाली फिल्म को घर में काम करने वाली माएं, सेल फोन पर बात करते लड़के, चैनल बदलने वाले बच्चे देखेंगे तो कैसा लगेगा? क्या इफेक्ट होगा? दादा उन्हें मिलती है इसलिए वो देखते हैं, अगर उन्हें मिले ही नहीं तो। दुनिया हवा के साथ उड़े।
वो बादलों में रहता है छाया, वो होटलों में जाता है पाया, वो जग की पलटी करता है काया। मैं भी ऐसा करने को आया, मेहनत से अपनी जीतूंगा दिल को जीतू जहां, लोगों के दिल में प्यार भरूं मैं सोचा यहां, नफरत को एक आग लगा के राख उड़ा के बोलूंगा मैं जा जा जा। हवा के साथ उड़े मोजों की लहर बन नाव कहे हमें नदिया, खुद में लेके तूफान आना, चट्टानों से टकरा जाना, जोश की अपनी गर्मी से पर्वत को पिघला जाना, खुद में लेके तूफान आना, चट्टानों से टकरा जाना, जोश की अपनी गर्मी से पर्वत को पिघला जाना। जो भी ऐसा काम करेगा जब उसका यूं नाम भरेगा मेघा, मेघा स्टार, 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 मेघा। अजी सुनते हो, सबके घर में लोग खाना खाकर सो चुके होंगे और हमारे घर में अभी तक टाइम ही नहीं हुआ, सुनाई नहीं देता क्या? राम तो ऐसा ही है, किसी की ना सुनने वाला। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं अपने राम की नहीं सीनू की बात कर रही हूँ मैं। वो तो गया आज। क्या हुआ? टाइम रात का 1:30 बज रहा है, अब तक तो फिल्म भी छूट गई होगी, अब तक तो उसे घर आ जाना चाहिए, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? सदर आप ही ने तो 400 देखने के लिए सीनू चाचा को पैसे दिए थे। पैसे? पैसे कैसे पैसे? पहले टीवी बंद कर, बता तो। 1,00,000 रुपए डोनेशन देकर तुझे स्कूल में एडमिशन कराया और ये बातें करता है, टीवी देखता है? चल अंदर चल। सीनू का फिल्म देखना गलत नहीं है, मेरा टीवी देखना गलत है पापा। जबान लड़ाता है, मैंने कहा ना जाकर सो जा, उल्लू कहीं का टीवी देखता रहता है दिन भर। मैंने अच्छा डाटा ना भैया, फिल्म सुपर हिट है, बॉस ने तो हल्ला कर दिया। चिरंजीवी की फिल्म हिट होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम नहीं जानते हैं क्या? 4 शो एक ही बार में देखने की क्या जरूरत थी, एक एक करके नहीं देख सकता था क्या? ये भी समझाना पड़ेगा। ओहो, तो ये डांटना है आपका? भाभी वो क्या हुआ ना कि देखो सीनू, इस तरह से आधी रात में मुझे स्टोरी सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस तरह से मैं घर नहीं चला सकती बाबा, नहीं चला सकती। मुझे डांटोगी दादा को कुछ नहीं बोलोगी क्या? लंका पर विजय क्या उस रामचंद्र जी ने, जहाँ सीता देवी उनकी राह देख रही थी, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, आप यहाँ? और नहीं तो क्या, चिरंजीवी की फिल्म देखूंगा क्या मैं? क्यों रे, तुझे यहाँ डांटने वाला कोई नहीं है, समझकर इस तरह की हरकतें करता है? अरे ये आधी रात तक घर ना आए तो? रहने दो बहू, इसे तो मैं देखता हूँ, और तुम जाकर पहले अपने पति की खबर लो। चलो चलो। अरे बड़ों का सहारा नहीं होता तो पता नहीं क्या होता इस घर का, तुम भी सीखो कुछ। उन्हें देखकर ही तो सीखा। क्या कहा? थैंक्स दादा, आज तो बचा लिया। दादा मुझसे भी पहले आकर भाभी को कैसे पटा लिया? क्या है ना, रामचंद्र कहेगा एशिया से ऐसा कलयुग आएगा, ये कहानी उसे सुना दी थी ना, उसने विश्वास भी कर लिया। अरे हाँ, लड्डू खाने के लिए आ, बैठ इधर आ जा। हे भगवान, कान दर्द होने लगे, जल्दी जल्दी सब खा ले। ये लड्डू किस खुशी में दादा? अरे पगले लड़के, कल लड़कियों के साथ तेरी कबड्डी का मैच है ना, लड़कियों को हराना हो तो ये लड्डू ही दिव्य औषधि है, इसे अगर खाया तो जहाँ पर खड़ा होगा वहीं पर जम जाएगा। कैसी भी कबड्डी का खेल जीतना हो यही बढ़िया दवाई है, खा ले खा ले। धीरे धीरे खा, धीरे खाओ धीरे, बड़े होने से कुछ नहीं होता है, खाना खाना आना चाहिए। ये कैसा लड्डू है, इसे खाना जरूरी है क्या? चलो अब खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं है भाभी। मुझे तो भूख लगी है। दादा भाभी ने अब तक खाना नहीं खाया? अरे पागल लड़के, हमारे खाने से पहले आज तक उसने कभी खाया है क्या? भाभी भाभी भाभी, मुझे भूख लग रही है भाभी। थोड़ा खाली रख लेना, ये सारे लड्डू भी खाने हैं। ओहो, लड्डू तो बड़ा मजेदार लग रहा है। अरे ये जेंट स्पेशल है, लेडीज पर असर नहीं करेगा। मैं भी देखती हूँ कि ये कैसे असर नहीं करेगा। कबड्डी 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 कबड्डी। डियर ऑडियंस, आज मैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया इंटरटेनमेंट आइटम दिखाने जा रहा हूँ। अब तक आपने लड़कों लड़कों की कबड्डी देखी होगी, लड़कियों लड़कियों की कबड्डी देखी होगी, लेकिन आज लड़के लड़कियों को मिलकर कबड्डी खेलते हुए देखेंगे, जिसमें लड़कों की टीम का कैप्टन है मैं स्टार सेनू, लड़कियों की टीम की कैप्टन मिस स्वाती, स्टार्ट
हमसे पंगा लेगा तो आउट हो जाएगा। ये क्या हुआ इसे? दादा क्या हो गया इसे? आउट हो गया है। वही तो पूछ रहा हूँ कैसे हुआ? जाओ ना यहाँ से। तो क्या करता? कबड्डी 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 कबड्डी। अरे मैं क्या कर रही हूँ? छोड़ दो, फेंक दिया तो देखना। छोड़ दो मुझे। बेईमानी करके कब जीतता है? मुझे जाने दो। बेईमानी करता है। रुक, तुझे आज छोड़ूंगी नहीं मैं। बेईमानी करके कब जीता है तूने? हाँ, छोड़ूंगी नहीं। गेम में तो चालाकी जायज होती है, तुम्हें नहीं पता क्या? धोखा देने वाले को गेम के बाद पीटना भी जायज है। तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं, तुझे काट कर छत पे सुखा दिया ना मेरा नाम। आखिर आप चाहते क्या हो? घर में छोटों को डांटने के बजाय आप खुद उनके साथ बच्चे बनकर खेलने लगते हो। एक काम भी ठीक से नहीं करते हो। अरे हे भगवान, मेरा ही नाम सुनाई दे रहा है। अगर अंदर घुसा तो मुझे भी मिक्सी में डालकर घुमा देंगी। सुन सीनू, भाभी की नजरों में पड़ने से पहले तो मुझे योगा क्लास छोड़ा प्लीज प्लीज प्लीज। ए सीनू, जरा इधर तो आओ। सीनू तो पहले ही बाहर निकल गया। अच्छा स्वाति, तुम इधर आओ। तो स्वाति तो पहले ही बाहर निकल गई। ए सीनू, इस तरह पागलों की तरह घूमने से तो अच्छा है कि तू भी योगा क्लास ज्वाइन कर ले। अरे पर योगा ही क्यों? अपना दिल कंट्रोल में करने के लिए, समझा? दिल कंट्रोल करने के लिए बॉस की सुपर हिट फिल्म है। तेरा योगा हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है चल, अब मैं चलता हूँ। ए मुझे शाम को 5 बजे पिकअप करने आ जाना। 11 नंबर की गाड़ी पकड़ के आ जाना। प्लीज आना ना। नहीं आऊंगा। कट्टी कट्टी, अब तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। स्वाति स्वाति, कुछ नहीं लगी। कौन हो तुम? मेरी जान पहचान रही है, पहले कार में चल। क्या कर रहे हो? मैं कहता हूँ कार में बैठ। आई सेड स्टॉप इट। चुपचाप बैठ। हे, कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे व्हाट आर यू डूइंग? बोला रुक जाओ। जस्ट स्टॉप इट आई सेड। स्टॉप द कार। ए स्टॉप द कार। चुप। आई सेड। अब मेरी बात सुनते क्यों नहीं? व्हाट आर यू डूइंग? स्टॉप इट। चल। Leave my hand, I said. कहां मुझे लेके जा रहे हो? अंधे की तरह गाड़ी चलाएगी, समझती क्या आपने आपको? चल। अरे छोड़ दो, गलती हो गई बाबा, सॉरी। अगर ध्यान से गाड़ी चलाती तो सॉरी कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अंदर स्वाति योगा में है, उसके बाहर आने के बाद सॉरी कह के तुम जा सकती हो, ठीक है? प्लीज मेरी बात मानो। चुपचाप बैठ यहाँ। Are you Miss Swati? Yes. I'm sorry. I'm extremely sorry. अब मैं जा सकती हूँ? चल, तेरा काम खत्म हो गया, निकल। ए बाबा, ये लड़की कौन थी? तुझे टक्कर मार के भाग गई थी ना? सॉरी कहलवाने के लिए लेके आया था बस। अरे बाबा, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा हंगामा क्यों? टू व्हीलर का पावर नहीं दिखाया क्या? मान गई बाबा, चल अब घर चलते। कहाँ? मैं यहाँ तुझे लेने नहीं आया हूँ, तुम ऑटो में जा सकती हो। बाय।
स्वामी, यहाँ कोई नियम से नहीं चलता है, किसी को भी फिक्र नहीं है, यहाँ पर सब गलती किए जा रहे हैं। गाड़ी लिए अभी 3 दिन भी नहीं हुए कि मेरी गाड़ी के क्लच का तार टूट गया। सब खराब माल बनाते हैं, इतना सब अन्याय हो रहा है और तुम कोई अवतार भी नहीं लोगे क्या? बोलो स्वामी। क्यों जी, बहुत देर हो रही है जी। अरे ओ माधव स्वामी, हाँ हमें देर हो रही है, जल्दी से प्रसाद दो। दे रहा हूँ ना, इतनी भी क्या जल्दी है। हे भगवान, अब तेरे मंदिर में भी खड़े होने का टाइम नहीं है इन लोगों के पास। अगर यही चिरंजीवी की फिल्म होती तो घंटों लाइन में लगे रहते। कलयुग है कलयुग, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है भगवान के मंदिर में। ये ले प्रसाद, ले तू भी ले। मुझे भी प्रसाद दो स्वामी। हा? अरे राधा, तुम भगवान का प्रसाद ये केला है, इसे स्वीकार करो राधा। और ये विभूति, 5 साल से ये प्रसाद और माथे पर ये विभूति लगा रही हूँ। इस साल तो शादी करोगे ना? शादी तो मैं कर लूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी वो कोई देवता है क्या? मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? हे भगवान, भगवान है ये प्रूफ करने के बाद मैं शादी कर लूंगा, समझी? आजा आजा आजा। आजा आजा आजा। साइड में हट रहे। पुजारी जी, पुराना मार्केट के अन्ना आए हैं। अन्ना? अन्ना कौन है ये अन्ना? हमारे अन्ना, यहाँ के बड़े भाई, हमारे बड़े भाई। पुजारी जी, मुझे अर्जेंट एक मर्डर करना है, थोड़ी इसकी आरती उतार दो। मर्डर? यही हमारा काम है, नहीं किया तो क्यों नहीं करूँगा। आपका नाम क्या है? राधे श्याम सालिग्राम के पीछे वाला 16 ग्राम। आपका गोत्र क्या है? रक्त। आपका नक्षत्र? चाकू। राधे श्याम 16 ग्राम, खूनी गोत्र से चाकू नक्षत्र से यदा विधि मर्डर करिष्यामी। हाँ अब ठीक है, मैं जो काम सोच रहा हूँ वो हो जाएगा ना? हो जाएगा, उस वेंकट रमन के आशीर्वाद से कोई काम फेल नहीं हो सकता। हाँ, अरे ये क्या किया आपने? क्या किया? केले के छिलके को ऐसे पीछे फेंक दिया। प्रसाद का मतलब ये है क्या कि छिलका भी खा लूं? छिलका खाने को नहीं कहा मैंने। तो क्या सर पर रख लूं? मेरा मतलब, पुजारी मेरी मर्जी, हाथ में रखूं या कान में लगा लूं? चल छोड़ इसे। अगर उस छिलके पर किसी का पैर पड़ जाता तो कमर टूट सकती थी ना। हम फल खाएं या आदमी, उसका छिलका बीच बाजार में फेंक देते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। लेकिन ये सब बिल्कुल गलत है जी। मारेगा मारेगा, मैं मारूंगा या डांटूंगा नहीं, बस दरवाजा खटखटाऊंगा। 30 वाला 100 में, 30 वाला 100 में। सुनिए, 30 का कितना? 30 का 100। 30 का 60 में दो ना भाई। 100 में लेना है तो लो, नहीं तो अपने रास्ते जाओ। दे दो ना। ठीक है, दो दे दो। बॉस की फिल्म के लिए टिकट ब्लैक हो रही है। बॉस की फिल्म की टिकट ब्लैक नहीं होती है, पता है ना तुझे? हाउसफुल होने के बाद टिकट ब्लैक में नहीं तो व्हाइट में बिकेगी क्या? 30 का 100 30 का 100 30 का 100। हम कौन है तू जानना चाहता है? बोलो कौन हो तुम लोग? अरे फैन कहीं ब्लैक के लिए मना करते हैं? जितनी ज्यादा टिकट ब्लैक होगी उतना ही तो हीरो का नाम होगा। हमारे हीरो के लिए फॉल्स इमेज की जरूरत नहीं है, पहले सारी टिकटें दे। 30 का 100 30 का 100 30 का 100। ऐसे ग्रुप में खड़े होकर क्या बोल रहे हो? सीनू का हाथ एक बार लग गया ना तो बॉम्ब की तरह फट जाओगे, समझे? मेरे भाई ने उंगली लगाई तो हालत खराब हो जाएगी, समझे? मेरे भाई, हम लोग आपस में झगड़ा क्यों करें? प्यार से टिकट दे दे। क्यों नहीं दी तो छीनेगा क्या? छीन के पता झगड़ा किस लिए भाई, चुपचाप टिकटें दे दे। छीन के दिखा भाई, मैं ऐसा बुरा आदमी नहीं हूँ, टिकट दे दो भाई। ऐसे क्या देख रहा है, छीन के दिखा। Come on!
ना मजा का। अबे चल टिकट निकाल। मेरे दोस्तों ने पहले कहा था ना कि खोपड़ी फट जाएगी। ए, दोबारा इस एरिया में ब्लैक टिकट बेचते देखा ना तो अगली बार पीटूंगा नहीं, फोड़ डालूंगा, समझा क्या? चल ऑपरेटर दादा, मेरी फाइट देखकर लोगों ने बॉस की फाइट मिस कर दी, एक बार रिवाइंड करके दिखाओ। शंकर दादा MBBS। चलो देखते हैं। अरे बाप रे, अब रो मत कहा ना। ये लड़की यहाँ, तू यहाँ क्या कर रही है? नो डाउट, इसका मतलब ये लड़की को पहले से ही जानता था। क्यों रे, एक लड़की के साथ अन्याय करता है। वो तेरी शिकायत हमसे करते हुए भी शर्मा रही है। बोल, ऐसा क्यों किया तूने? पिताजी मुझे भी शर्माने लगी। तुझे शर्माती है तो मुझे भी शर्माती है। चुप रहा, कौन है लड़की? ये लड़की वो कुछ नहीं, परसों इस लड़की ने छोटा सा एक्सीडेंट कर दिया था, इसने उसे वहाँ लाकर मुझसे सॉरी कहलवाया था, बस इतना ही हुआ था। उस दिन पता है मैं कहाँ जा रही थी? IAS एग्जाम देने। मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किलों से IAS के लिए सिलेक्ट हुई। एग्जाम के लिए जाते समय ये मुझे अपने साथ ले गया और एग्जाम मिस हो गया। दोबारा एग्जाम देना हो तो एक साल तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर इंतजार करूँ तो मेरे पापा नहीं मान रहे हैं, वो तो कहीं भी कैसे भी मेरी शादी करवाना चाहते हैं। इसीलिए मैं अपने घर वालों को बताए बिना यहाँ आपके पास आई हूँ दादाजी। क्या बेटी, सच कहा? आपके पोते की वजह से दादाजी मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई। किसी काम ना आने वाली मैं आपके घर में थोड़ी सी जगह मांगने आई हूँ, कहिए गलत है क्या? आप ही कहिए, कहिए ना दादाजी। वो क्या कहेंगे, सॉरी बुलवाने में तूने घर में हंगामा खड़ा कर दिया, अब घर में ना बाबा ना। बात तो सुन सिनू। नहीं, अगर इससे ज्यादा देर बात की तो मुझे बाहर करके इसे घर में रख लोगे। अंदर चलो, चलो दादा अभी चलो, चलो सुन। अरे जाओ जाओ, चलो चलो, मेरी बात तो सुनो। आप लोग क्या फिल्म देख रहे हो? अरे कोई काम नहीं है क्या? चलो यहाँ से, चले जाओ, सब चले जाओ। मैंने भी बहुत सारी फिल्में देखी है, देखती हूँ कब तक बाहर बैठने दोगे, ये मेरा चैलेंज है। ए, कौन हो तुम? तुम्हारा सुपरचित, अन्याय करने वाले तो जैसों को सीधा करने वाला सुपरचित। अरे बाप रे, ए भगवान, ये कैसा सेटअप है? बेटा सुपरचित, मुझसे गलती हो गई, अब आगे से कभी कुछ नहीं करूंगा, सच बोलता हूँ। तुझे यहाँ पर मर्डर करने की वजह से नहीं लाया हूँ। छिलका? छिलका? हाँ, केले का छिलका, चार लोगों के चलने वाले पब्लिक प्लेस में फेंका था ना, नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब ये मर्डर के लिए नहीं था, इतना हल्ला सिर्फ एक छोटे से छिलके के लिए, क्या वो मर्डर से भी बड़ा हो गया? हाँ, मैं अकेला था इसलिए छिलका वहाँ फेंक दिया था ना। वहाँ रोज 300 लोग आते हैं, 300 लोग अगर केला खाकर एक एक सबने केले के छिलके फेंके तो रोज कितने छिलके गिरेंगे? चल जल्दी से बता। 300 महीने में? 9000। और साल में? कैलकुलेटर में बैटरी खत्म हो गई। हिसाब पता नहीं तो छिलका वहाँ कैसे फेंक दिया? पता नहीं। इसीलिए अब तू छिलकों से नहीं बचेगा। ये क्या, बाप रे, वहाँ तो एक ही छिलका था, यहाँ इतने सारे छिलके हैं। तुझे छिलकों के ऊपर से होकर बिना गिरे उस दरवाजे तक पहुँचना है। अगर तू नहीं गया तो तेरा छिलका उतार कर। मुझे मत मारना, मैं चला जाता हूँ। अरे बाप रे, चला जाता हूँ, जाता हूँ। अरे बाप रे, जल्दी जल्दी, छिलकों पर चलना मुश्किल है। बाप रे, एक छिलके के लिए मेरा छिलका उतर रहा है, छिलकों पर चलना मुश्किल है। जल्दी कर, नहीं चल सकता मैं, छिलकों पर नहीं चल सकता, बहुत मुश्किल है इन छिलकों पर चलना, छिलकों पर चलना बहुत मुश्किल है। तेरी भाई गिरी मर्डर हथियार कुछ नहीं चलेगा। अरे बाप रे, बचाओ। ये अब तक यही है, मधुमक्खी की तरह चिपक गई है। गुड मॉर्निंग बॉस। वो वही होगी क्या?
आखिर वो चली गई। चाहे कुछ भी हो, हमसे पंगा लगी तो कहीं की नहीं रहेगी, वो जान गई होगी। तभी मैं कहूँ घर में शांति कैसे है, भाभी पूजा में है ना। तूफान आने से पहले भी ऐसा ही होता है। ए, पहले बैग टांग ले, मेरा तौलिया किधर है। टॉवल बाथरूम में होगी बाबा। ये तो झटका देने लगी। ए, बुद्धू कहीं का लेडीज को नहाते हुए देखता है। ए, तुझे अंदर किसने आने दिया। हाँ दीदी, दीदी क्या कहा। हाँ अंजलि क्या हुआ है। देवर को देखो, नहा रही थी तो दरवाजा खोलकर देखने लगा। छी 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 छी, ये तेरी कैसी गंदी आदत है। कल तो लगा था तू ना समझ है। भाभी ये टॉपिक चेंज कर रही है, पहले ये बताओ ये घर में कैसे आई। अरे कूद कर आई है। सुबह सुबह क्या हल्ला कर रही हो। अरे ये लड़की नहा रही थी तो ये झांक रहा था। जब मैं नहाता हूँ तो तुम भी तो उस छेद में से देखते हो कि नहीं। बकवास बंद करो। क्या कहा, क्यों भाई तूने ये क्या किया, फिर उस लड़की के साथ बदतमीजी की। छी छी, तुझे तो अपना भाई कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। दूर हट। बस हो गया, अभी बाकी है। जानता है मुझे तेरा बड़ा भाई होते हुए भी शर्म आती है, समझे। टीवी सीरियल की तरह बहुत बोलिए, पहले ये बताओ ये लड़की कैसे आई अंदर। बताता हूँ, क्योंकि अब तेरी धुलाई का टाइम नजदीक आ गया है। दादाजी, दादाजी। बाबा रे बाबा, सुबह सुबह कैसा शोर है। देखिए दादाजी। हाँ मैं हूँ, तो क्या। लो फिर शुरू हो गया। वो क्या हुआ ना दादाजी, वो लड़की नहा रही थी तो मैंने सिर्फ देखा। हाँ? सिर्फ देखा ही ना, या फिर सेल फोन में कोई फोटो भी लिया। क्या मजाक बंद करो, और ये बताओ कि इस लड़की को अंदर किसने घुसने दिया है। देखो तो उल्लू की तरह कैसे दिख रही है। चल निकल यहाँ से, चल निकल निकल यहाँ से। दादाजी मैंने ही अंदर आने दिया था। दादाजी अरे तेरी गलती की सजा से ये बेचारी अपने माँ बाप से और आईएएस के एग्जाम से दूर हो गई। ये तो अंजलि का साहस है कि अन्याय करने वाले के पास आकर इस लड़की ने न्याय मांगा। ऐसे क्या देख रहा है। अरे बेटा जब तू छोटा था ना तो सामने वालों की शीशे तोड़ देता था। अरे तेरा निशाना तो अच्छा है, कहकर तेरे हाथ में एक और पत्थर देकर दूसरा शीशा तोड़वा देता था। अब तू पूछे कि ऐसा क्यों किया था। क्योंकि तू छोटा बच्चा था, इस बेटे से तेरा दादा खुश होता था। लेकिन अगर तूने नासमझी से गलती की तो उस लड़की का नुकसान हुआ। उसी नुकसान को पूरा करने के लिए मैंने ही उसे घर में बुलाया था। दादा अंजलि आईएएस बनने तक हमारे इसी घर में रहेगी। ये बात कहने वाला, तेरे साथ गाना गाने वाला, फिल्म देखने वाला दादा नहीं है, बल्कि अकुल वीरांजली नायडू को ऑर्डर है। बेटा अंजलि इन पैसों को लेकर शॉपिंग कर। थैंक यू दादाजी। ये दिल मांगे मोर। दादा आप इसे ज्यादा सर पे चढ़ा रहे हो। वो सब तो रहने दे, तू भी जा इसके साथ जा। मैं नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, आज की तेरी पॉकेट मनी काट। हाँ, उन पैसों से तेरे लिए कुछ लाऊंगा। नहीं 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 नहीं, जब अकुल वीरांजली नायडू ने बोल दिया तो हम कौन रहते हैं मना करने वाले। तो इसको लेकर जाओ। चलिए मैडम। कहाँ फंस गए हो। बेटी अंजलि अब इस मॉडर्न ड्रेस में मत जाओ बेटी, कपड़े बदल लो। ठीक है, बॉर्डर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जरा वो दिखाइए। हाँ वो पीला वाला, नहीं नहीं उसके बाजू वाला, पास वाली वो पिंक साड़ी भी दिखाइए। नहीं नहीं वो साथ वाली लाल सलवार भी दिखाइए। अब और कुछ शॉपिंग बाकी है क्या। हाँ है ना, अभी तो किताब की दुकान पर जाना है, बुक्स की खरीदारी करनी है। कौन सी, फिल्म वाली किताब। नहीं ना, पढ़ने वाली किताब। जान ले रही है। एंड ऑफ बुक मेरा फेवरेट राइटर है पता है। तो जाकर उसकी जान खाओ ना, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। अब हम दोनों मिलकर आइसक्रीम पार्लर जाएंगे। आइसक्रीम खाते अगर बाइक पर चलो तो बहुत मजा आता है। सीनू मुझे वैनिला आइसक्रीम बहुत पसंद है, और तुम्हें है? और तुम्हें क्या पसंद है। मुझे तो ये सब बकवास लगता है। थोड़ा टेस्ट तो करके देखो। चल हाँ, जैसे पॉकेट मनी बैंक में जमा करेगा ना। What happened? पेट्रोल खत्म हो गया। Oh shit, अब क्या करेंगे। पेट्रोल पंप तक धक्का देना पड़ेगा, चल दे। मुझसे नहीं होगा। तब तो पीछे से कोई जिप्सी आ रही होगी, लिफ्ट मांग। लिफ्ट लिफ्ट प्लीज। हेलो। हाँ बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है, इसलिए आगे तक लिफ्ट लेना चाहती हो। हाँ सीता नगर जाना है ना। आपको कैसे पता। सीता की तरह दिखती हो, हम ये भी नहीं समझेंगे क्या। लिफ्ट चाहिए ना, बैठो। गेट इन। यस। इतनी देर हो गई, अब तक सीता नगर नहीं आया। ये रामनगर का चौक है, इसके बाद सीता नगर आने वाला। और कितना समय लगेगा। बस आ ही गया है। हाँ सीनू बोल। हाँ अभी बॉर्डर पर ही हैं, सुबह तक आउट ऑफ सिटी होंगे। ठीक है ला इधर ला।
हाँ सीनू, इस लड़की को वार्निंग देकर इसके घर छोड़कर शाम तक हम लोग आ जाएंगे। तू टेंशन मत लेना, अब से तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, समझे? बाय। इसका मतलब तुम सीनू की दोस्त हो? यस। अरे बाप रे, मैटर सीरियस लग रही है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे दादाजी। अरे सीनू, क्या हुआ? सीनू अकेला आया क्या? अरे पिट्टी कहाँ से लगा ली? कहीं से फाइट करके आया क्या? पता क्या हुआ? वही तो दादाजी, एक्शन फाइट। बोलो फाइट कैसी? मैं और अंजलि शॉपिंग करने गए थे वहाँ। सर 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 सर, ये सब क्या है दादाजी? सर से एक सुमो। इसका मतलब 10 सुमो? रजनीकांत की फिल्मों की तरह। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे भी है। उस सुमो ने अंजलि के पापा 10×6 60 लोगों के साथ नीचे उतरे। अच्छा, वो अंजलि को साथ ले जाने आए थे। नहीं, वो साथ ले जाएंगे उसको। तू क्या कर रहा था? इसीलिए 60 लोगों की परवाह ना करते हुए लात चलाई, घूंसे बरसाए। लेकिन ये तो बहुत मजेदार कहानी है, कैरी ऑन कैरी ऑन। उसके पिताजी को ही नहीं मार पाया। क्यों? उनको देखकर डर लग रहा था क्या? नहीं, फिर उनकी आंखें अपनी बेटी को ढूंढती देख मैं रुक गया। मैंने उनके अच्छा पैर पकड़ लिए, उनके हाथ रोक लिए, कहा कि अंजलि का आईएएस पढ़ना मेरे दादाजी की ख्वाहिश है, कहा एग्जाम्स के बाद ही भेज देंगे, ये भी कहा। फिर अंजलि ने क्या कहा? अपने पापा की आंखें नम देखकर वो भी पिघल गई, एक छोटी सी स्माइल देकर सुमो में बैठ गई। बस सर, समझ गया। एक और सुमो आई थी ना पागल लड़के, वही सुमो सर करके वापस चली गई। हमें धोखा मिला दादाजी, धोखा। हाँ बेटा, हमें धोखा मिला। ठीक कहा दादाजी, हमारे साथ धोखा हुआ है। अरे सीनू, तुझे धोखा कैसे मिला? कैसे? ऐसे। हाय सीनू, हाउ आर यू? अरे बेटा, जब झगड़ा करने के बाद ये चली गई थी, तब हमारे घर पर सर 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 कंटिन्यू प्लीज। 10 सुमो आई थी, 10×6 और 60 गुंडों के साथ अंजलि के पिताजी उतरे। हमें मारेंगे तो नहीं, इस बात से हम भी डर रहे थे। मारा नहीं, मेरे पैरों में पड़कर अंजलि का भविष्य आपके हाथों में दे रहा हूँ। एक स्माइल देकर सुमो में चले गए। फिर एक और सुमो आई होगी। चुप रहो, वो जिस सुमो में बैठा था सर वापस चली गई। सॉरी दादाजी। इस दादा से पंगे मत लेना, वरना एक रो सीरियल दिखाऊंगा। अरे वाह, नूडल चिकन मटन और मछली की सब्जी, क्या खाना बना है बेटे। क्या बेटा, खाओ खाओ। उसके हाथ का बना मैं नहीं खाऊंगा। हे भगवान, तू कहीं खाना जाए इसी से डरता था। लाओ वो प्लेट भी मुझे दे दो। लाओ। खाएगा कि नहीं? कुल वीरांजनी नायडू के कहने पर नहीं खाऊंगा तो भूखा नहीं मरूंगा दादाजी। तो बहुत तकरे कर रहा था। कितनी बार मना किया है कि शिकार मत पियो। मैंने कब पिया? फिर ये मुँह में क्या? ये बहुत पहले फेंका हुआ सिगार जब मैंने यहाँ देखा तो बूढ़े से मुंह में रख लिया था, बस जो देखकर तू गलत समझ बैठा। छे, आइंदा अगर पिया तो? होगा तो पीऊंगा ना। टैन टैन। तो ये क्या है दादाजी? चुप, सिगार का बंडल। खराब बात है ना। गुड नाइट बेटा, इसे कहते हैं विजन 2000 की सिगार। मना किया तो बंडल उठा ले गया हम। लड़की ओरिजिनल सीनू छत पर है और इस सीनू की फोटो को चुम्मा दे रही है। मेरी ये जवानी बड़ी है कटारी, पा न सके मुझे कोई भी शिकारी। Chinna 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 chin
ये है दीवाना, क्या करेगा कोई है। मानी ये दिल ने तुझको है पाना, क्या करेगा कोई। जब से मेरा तुझ पे दिल है आया, वो तो हुआ है कुछ पराया। सीने में धड़कन है, धड़कन में दर्पण है, दर्पण में दिखती है तेरी छवि। मैं तो तेरा हुआ, जान तेरी हुई, तू जो मेरी बनी, शान मेरी बड़ी। पुरों से मिलती मेरी कहानी, पास सके ना कोई। दिल देना सीख लो, दिल लेना सीख लो, दिल देना सीख लो, दिल लेना सीख लो, झूठी अकड़ को खुद से हटा दो। दिल का लगाना है एक फसाना, जान है दुनिया जान जमाना। प्यार की आंधी दिल में उठी है, मुझको उड़ा के ले वो चली है। के जीवन कटे साथ हो घर हसी। पुरों से मिलती मेरी कहानी, पा सके ना कोई। परियों की जैसी मेरी जवानी, पा सके ना कोई। मैं तो हूँ सुंदरी, कहती है रागनी। मैं तो हूँ सुंदरी, कहती है रागनी, ऐसा जहाँ में सुर है कहा। तुझसे जमाना बनता फसाना, तू जो नहीं तो क्या है यहाँ। मुझको कहता तू जो अपना, मुझको लगे है केवल सपना। मुझको कहता तू जो अपना, मुझको लगे बातें तेरी मेरी दरमिया में रहेगी। मैं हूँ रस की भरी, रस मुझ में मिले, रुत मुझसे सजे, फूल मुझसे खिले। क्यों बे, उसे वापस घर लेकर आ गए तुम लोग? तुम लोगों की वजह से मुझे दादाजी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, पता है तुम्हें? सिनू मत बोल। फालतू में मुझे क्यों मार रहा है? तू ही तो सबसे ज्यादा बकवास कर रहा था, बोल अब। ए, तू तो कुछ बोली मत। तू कहाँ का गैंग लीडर है? कह रहा था कि शहर की बॉर्डर पार करा दूंगा। हाँ कहा था तो वापस उसे घर लेके आने की जरूरत क्या थी? बस वो मत पूछ। तो ये खा फिर। अरे तुम लोगों को हो क्या गया है? ऐसा क्यों किया तुमने? वो बहुत सुंदर है, अद्भुत है, असाधारण, अपूर्वमय, नया अनुभव था। चिल्लाना बंद कर, हमें जानती नहीं कि हम कौन हैं। हम लोग टेररिस्ट हैं, समझी? रेप करने वाले हैं। नोच खा जाएंगे। तुम लोगों में एक लवर बॉय भी है? क्या मतलब, मजाक कर रही हो क्या? सीरियसली कह रही हूँ मैं, सच कहूँ तो तुम में से एक मुझे तो बहुत पसंद है। ए, अभी तो तुमने हमें देखा है, इतने में ही हम में तुम्हें कोई पसंद आ गया? वही ना, देखते ही जो हो जाए उसे प्यार कहते हैं। लव एट फर्स्ट साइट। अरे वो कैसे प्यार करती हो? मुझे प्यार करती हो? मुझे प्यार करती हो? मुझे प्यार करती हो? मुझे प्यार करती हो? हाय गाइस, लगता है तुम्हें अभी मैच्योरिटी नहीं आई है। तुम लोग मेरे घर पर मुझे छोड़ दो, वहीं से मैं उस लड़के को प्यार से निहारती रहूंगी। बाय। अरे सुनो सुनो सुनो, हम तो बस यूं ही आपस में बात कर रहे थे, तुम्हें कौन पसंद है? मैं ही ना। चलो हटो यहाँ से, ये सूखी भिंडी की तरह दिख रहा है, इससे क्या प्यार करोगी? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? पीछे हट, चल, केले की तरह लग रहा है। तुझे कौन प्यार करेगा? तुम मुझे प्यार करती हो ना? लवर बॉय का मतलब होता है मुझ जैसा रफ एंड टफ, वो मुझसे प्यार करती है ना? हे,
ग्लैमरस दिखने वाला मुझे छोड़कर तुम्हें कैसे प्यार कर गया? स्टॉप इट। मैंने लवर बॉय कहा था, ऑफिस बॉय की तरह झगड़ा क्यों करते हो? हम में से किससे प्यार करती हो अंजलि? बताओ ना, नहीं बताऊंगी अभी। एक हफ्ते बाद रक्षाबंधन है, उस दिन तुम्हारी गैंग में एक को छोड़कर बाकी सबको राखी बांधूंगी। बस वही लड़का ही मेरा लाइफ पार्टनर होगा। और फिर ऐसे नाजुक समय में हमारी अंजलि को तुम्हारे घर वापस लाना पड़ा। हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि उस पवित्र राखी के दिन का इंतजार करना पड़ेगा। अंजलि हम में से किसकी लाइफ पार्टनर है, हम ये सोच रहे हैं। हाँ, यही सोच यही रहे सोच रहे हैं। अंजलि दीदी, अंजलि दीदी, क्या हुआ, क्यों आया? आप ये फल खाओगी? इधर ला, मुझे इस फल में बीच की तनी बहुत पसंद है। उसको भी वो तनी बहुत ही ज्यादा प्यारी है, इसलिए उसे अंदर छुपा कर रखती है तुम्हारी तरह। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, तुमने सीनू की जो फोटो छुपाई है उसे मैंने बिल्कुल नहीं देखा है। अरे सुन सुन सुन, ये बात तुम किसी को मत बताना प्लीज, मैं तुम्हें डेयरी मिल्क दे दूंगी। नहीं बताएगा ना? प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, अगर रिश्वत देने के लिए तैयार हो तो मेरी समझ के मुताबिक आप सीनू चाचा को लाइन मार रही हो, है ना? Am I right? You are right, son. मेरी लाइन में फंसने के लिए बीच में एक स्पीड ब्रेकर है ना? कौन? वो स्वाति? हाँ। उसका तो चांस ही नहीं है। एक बार दादाजी ने सीनू से कहा था कि स्वाति से शादी कर लो, पर उसने बात पलट कर कह दिया अगर तुम्हें पसंद है तो तुम्हें उससे शादी कर लो। तब तो मेरा लाइन क्लियर है ना? अब सोच रही हो तो तुम बेवकूफ हो। तनी तुम्हारी है, प्रोसीड। हेलो फ्रेंड्स। अंजलि, आज के दिन का ही हम लोग इंतजार कर रहे थे, हम में से किसी को भी राखी नहीं बांधी, अब तो बताओ ना। मैंने उस दिन से सोच सोच कर एक हफ्ते से ठीक से खाना भी नहीं खाया, पता है तुमको? हम लोगों ने भी नहीं खाया है, पता है। फ्रेंड्स, तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप लोगों को कैसे बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम सब तो अच्छे हो, किससे प्यार करूँ? इसका मतलब है सबसे प्यार करोगी? इसीलिए हम सब इनकी पोंकी खेलते हैं। इसमें जो हार जाएगा उसे राखी बांधूंगी, ठीक है? ठीक है। इनकी पिंकी पोंकी, फादर हैड अ डोंकी, डोंकी डाइड, फादर क्राइड, इनकी पिंकी पोंकी आउट। इनकी पिंकी पोंकी आउट। आउट, आउट। छोटी बहन। आउट। आई एम द विनर, अंजलि लास्ट मी। अंजलि ये तो गलत है, ये चीटिंग है। स्टॉप इट गाइस, स्टॉप इट। इसमें गलत क्या है? हम में से एक बॉयफ्रेंड कहा था ना? हाँ कहा था। सीनू भी तुम्हारे बैच में है ना? हाँ। I love सीनू। फिर से बाहर सीनू, मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ तुम मुझसे अलग रहते हो। मैं जितना करीब आती हूँ तुम उतने ही दूर जाते हो, ऐसा क्यों? ए, तुझसे बात करना बेकार है। तुझे घर से बाहर निकालने तक मैं सोने वाला नहीं। अगले महीने ही मेरे आईएएस के पेपर हो जाएंगे, तब तक हम एक दोस्त की तरह तो रह सकते हैं ना? अगर तुम्हें मुझसे कोई नाराजगी है तो मुझे डांटो, नहीं होता है तो इस डायरी में लिख दो। मैं तो तुम्हें डांटे बिना जो भी सोचती हूँ सब इस डायरी में लिखती हूँ। मेरी बात सुनो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। इट्स ट्रू। आइए देखिए बासी के रघुनाथ थिएटर में जैकी चैन की फिल्म। कौन है ये? दारू पीते समय साउंड पोल्यूशन करता है, यूजलेस फैलो। रोजाना देखिए। रुको 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 रुको, बहुत अच्छा है भाई, तुम पब्लिसिटी बहुत अच्छी कर रहे हो। रोजाना देखिए, रोजाना देखिए, कहते हो रोज देखने का मन करता है। इस सारे शहर के लोग रोजाना फिल्म देखने आ गए तो जगह पूरी पड़ेगी क्या है? नहीं योगी जी, रोजाना फिल्म देखना गलत है ना? ये गलत है जी, फिर क्या किया जाए? जो मन करे बोल दो। अपने मन से देखिए, आपके नजदीकी सिनेमा घर में विश्व रक्षक। रुक 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 रुक, अपने मन से का क्या मतलब हुआ? एक साल बाद देख सकते? नहीं जी। छह महीने बाद देख सकते? नहीं जी। तीन महीने बाद? तो फिर अपने मन से देखने का क्या मतलब हुआ? ये गलत है ना? हाँ बोलो बोलो। गलत है, पर कैसे कहूँ? और कुछ बोल दे। आपका मन करे देखिए, कितने दिन लगेगी पता नहीं। आपके अपने थिएटर।
अपना थिएटर का क्या मतलब है? क्या मतलब हुआ अपने थिएटर का? अगर मैं तुम्हारे उधर आया तो कॉफी दोगे तो क्या पैसे नहीं लोगे क्या? तू मेरे घर आएगा, कोल्ड ड्रिंक दूंगा, बदले में पैसे देगा क्या? तो वो अपना हुआ ना, जहाँ तो पहले पैसे देकर टिकट खरीदते है ना, उसे अपना क्या हुआ? गलत है ना? आपका मन करे देखिए, कितने दिन लगेगी पता नहीं, जो आपका नहीं है उस थिएटर में रोजाना चार खेल। क्या समझा रहा है लोगों? क्या है, क्या समझा रहा है लोगों को? खेल क्या है? कोई फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, जैकी चैन थिएटर में क्रिकेट करता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो फिल्म है। बोल, बोलता हूँ जी। आप कभी भी देखिए, कितने दिन लगेगी पता नहीं, जो आपका नहीं है उस थिएटर में रोज चार बार। चार बार क्या है, चार बार क्या है? अभी दिखाएंगे। नहीं बोल, अभी दिखाएंगे। नहीं अभी नहीं, कभी नहीं। लाओ इधर दो। अब ध्यान से सुनो, आप कभी भी देखिए, कितने दिन लगेगी पता नहीं, सुबह 12 बजे, दोपहर 3 बजे, शाम को 6 बजे, जैकी चैन की फिल्म देखनी है तो देखो, वरना रहने दो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक कहा ना? ये कौन भागता चला रहा है? मुझसे पैसे लेकर मेरी फिल्म को बंद करवाना चाहता है। साउंड पोल्यूशन करोगे तो साउंड बॉक्स इसी तरह गिर जाते हैं। मेरी जानू, मेरी जानू, जानू। ये आवाज कहाँ से आ रही है? इधर से आ रहा है। हाँ, नमस्ते ससुर जी। मेरी बेटी को छुएगा तो काट डालूंगा। अपनी होने वाली पत्नी के साथ खेलने में गलत क्या है? हटा अपना हाथ। भगवान को मानकर पूजा करके चिल्लर कमाने वाले से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। तू भले ही अन्याय करके कमाए तभी शादी करवाऊंगा। अन्याय करेंगे तो पाप लगेगा। अगर तू भगवान को नहीं मानेगा तभी तेरी शादी होने दूंगा। अगर तू उसको छुएगा या वो तुझे छुएगी तो उसके पैर और तेरे हाथ कटवा दूंगा, समझा? भागो। विजन 2000 कहाँ है? जहाँ पर ये कागज कैसा है? इन सिगार में से एक में लक्ष्मी बॉम्ब है, है? अगर दम है तो खींचो, एक ही में तो है। अरे बाप रे, इसमें क्या हुआ? दम है तो खींचो इसे। क्या खींचूं? ये फटने वाला नहीं है। गुड नाइट। दादाजी तो चले गए, फिर ये धुएं की बदबू कैसी है स्वाति? ओह, तो धुआं यहाँ से आ रहा था। अरे ये किसका फोटो जला रही थी? ओके, गुड नाइट। क्या गुड नाइट, ये यहाँ क्या कर रही है? नींद की गोलियां? क्या करने वाली थी तुम? सीनू, एक लड़के से प्यार में मैंने धोखा खाया। वो मुझे हमारी योगा क्लासेस में मिला था। हम एक दूसरे से प्यार करने लगे और मैं उसके घर भी गई थी। वो मुझे 3 दिन से दिखाई नहीं दिया। आज जब मैं उसके घर गई तो उसके नौकर ने बताया कि वो शादी करके अमेरिका चला गया है। अब मैं क्या करूं? वो अमेरिका से नहीं लौटेगा। अब मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा तो मर जाएगी क्या? बचपन से लेके अब तक हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाई है, तो इतनी बड़ी बात तूने मुझसे कैसे छुपाई? तुझे जो भूल गया उसके चक्कर में तेरी फिक्र करने वाले हमें ही भूल गई तू? सॉरी बाबा, मैं क्यों मरूं भला? मेरे लिए तो तुम सब हो ना। मैं मरूंगी नहीं बाबा, नहीं मरूंगी। That's my Swati. Good night. स्वाति, क्या है? इनमें से एक पत्ती अपने नाम से, दूसरी अंजलि के नाम से तोड़। ये क्या पागलों जैसा खेल है? ये पागलों का खेल नहीं है, मेरी लाइफ और डेथ की बात है। ले तोड़। मैं अंजलि, मैं अंजलि, मैं अंजलि, मैं अंजलि, मैं अंजलि, मैं। ये देखा ना, ये पत्ती भी अंजलि को ही सपोर्ट करती है। पत्ती से अंजलि को सपोर्ट कैसा? पागलों जैसी बात मत कर। हाँ री, सीनू को ना अंजलि प्यार करती है। उसमें मेरी भी बात फंसी है।
और अब तुम बाइक में सीनू के साथ पूरे दिन भर घूमती रहती हो। फिर मैंने जो वादा अंजलि को दिया था उसका क्या? सीनू से मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ? अंजलि कहाँ है? हाँ, रोती हुई कोने में बैठी है। क्यों? तुम दोनों आपस में ना बेशर्मी से पार्क में एक दूसरे से जो छेड़छाड़ कर रहे थे ना, उसे देखकर वो रो पड़ी और उसने मुझे बता दिया कि अब मैं क्या करूँ। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बहुत दुखी है। उसे जवाब मैं देता हूँ। निकल यहाँ से, बच्चों को बहला फुसला कर उल्टी सीधी बात बोलती है। सीनू, अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है, बाहर निकल यहाँ से। क्या हुआ रे? दादाजी, इस बार आप कुछ नहीं बोलेंगे। आपकी बात मानकर मैंने इसे घर में रहने दिया। सीनू बताओ बात क्या है? अरे कुछ नहीं दीदी, एक नेल पॉलिश को लेकर मेरे और अंजलि के बीच में झगड़ा हो गया। उसने मुझे नहीं दी तो सीनू को गुस्सा आ गया। लड़कियां चाहे कुछ भी करें, तू उसमें दखल क्यों देता है रे? ये क्या सीनू, इतनी छोटी सी बात पर उस पे इतना बरस रहा है? देखो बाबा, अंजलि यही रहेगी, मेरी बात मान लो। अंजलि चलो। स्वाति, स्वाति, वहाँ सब कलर से खेल रहे हैं और तू यहाँ शांति से बैठकर गार्डनिंग कर रही है? चल चलते हैं, चल चल। सीनू, क्या हुआ? प्यार करने वाला साथी अगर किसी और के पास चला जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए या फिर आत्महत्या कर लेनी चाहिए? चाहे कुछ भी करो, उस प्यार को प्रूव करना चाहिए। वही बाबा, अंजलि ने भी किया। सुनो बाबा, अंजलि तुम्हें बहुत प्यार करती है, तुम उसकी जान हो। मैं कहीं तुम्हें अपनी ओर न खींच लूं, इससे वो डरने लगी, इसी डर से उसने ऐसा किया। क्या ऐसा किया था? तू भी उसका साथ देने लगी थी, वरना भगा देता मैं उसे। क्या समझती हो खुद को? उस बच्चे को ऐसी कहानी सुना देगी तो इसका मतलब मैं उससे प्यार करने लगूंगा? वो मुझे पसंद नहीं है। चाहे कुछ भी हो, वो तुझे प्यार करती है बाबा। बस आगे मुझे कुछ नहीं सुना, बाहर आओगी या नहीं? ठीक है बाबा, साथ में अंजलि को भी लेकर आती हूँ। अंजलि को वो क्या करेगी वहाँ? जाने दो बाबा, तू आ, उसे बताना साथ में। कुछ को नीली पीली, कुछ को लाल परी हम कर डाले, छोटा बड़ा कुछ ना देखे हो जाए हम मत वाले। अरे हे, रंग बिरंगी खुशियाँ लेके होली का दिन आया है, भर के दामन में वो अपने सारी दुनिया लाया है। खुद को जाने समझे है क्या? अरे हाँ, खुद को जाने समझे क्या? चंदा सूरज या की तारा, ढेर पड़े हैं वीर यहाँ पे, चैलेंज करना ना दोबारा। ढेर पड़े हैं वीर यहाँ पे, चैलेंज करना ना दोबारा। गाना खबर लो हम पे नजर हो, गाना खबर लो हम पे नजर हो। मैं तो हूँ बस एक दीवाना, बस एक दीवाना, मुझको बनाओ ना अफसाना। जब भी जागी है जोत मुरारी, जलने को आए परवाना। जब भी जागी जोत मुरारी, जलने को आए परवाना। गाना खबर लो हम पे नजर हो, गाना खबर लो हम पे नजर हो। तुझ में तो है भला क्या, मन करे है जैसे देवा। तुझ में ही है जग ये सारा, तुझको दिखाऊं मिलो दोबारा। पाते रहे आऊं क्या, पाते रहे आऊं क्या। तन्हाई में आना पड़ेगा, बातों को समझाना पड़ेगा। मैं जो तेरे पास में आई, दुनिया को भूलाना पड़ेगा।
ये जाने है अदा, इस पे है दुनिया फिदा। अदा नहीं है ये पता, पापों की तेरे है ये सजा। कहता है खुद में तू, कहता है मुझको तू। प्रभु की एक महिमा है तू, उसकी रची लीला है तू। बात अभी तू समझा जरा, मुझ में मेरा कुछ मेरा है क्या। आना खबर लो, हम पे नजर हो। आना खबर लो, हम पे नजर हो। मैं तो हूँ बस एक दीवाना, मुझको बनाओ ना अफसाना। जब भी जागे है ज्योत मुरारी, चलने को आए परवाना। जब भी जागे है ज्योत मुरारी, चलने को आए परवाना। जाने समझे है क्या, चंदा सूरज या की तारा। फिर पड़े हैं वीर यहाँ पे, चैलेंज करना ना दोबारा। दादाजी, अरे मेरे, अरे दादाजी कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ भागोगे, रुक जाओ, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। आंखों में रंग जाने की वजह से रेटिना ने काम करना बंद कर दिया है। शी इज ब्लाइंड। सीनू, 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 तुम्हें और दादाजी को, बाकी के घर वालों को एक बार मैं फिर से देखना चाहती हूँ। कल तक रोज सुबह से रात तक तुम सबको देखा करती थी, लेकिन अब मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया है। सीनू, सच में मुझे बस आईएएस ना बनने का ही गम है और कुछ नहीं। ना कि आंखें चले जाने का मुझे गम है, क्योंकि कभी मुझे ना पसंद करने वाले तुम मुझसे दूर ही रहा करते थे। अब मेरे पास हो और मेरे बारे में ही सोच रहे हो ना सीनू। सीनू, 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 बोलो अंजलि। पास होते हुए भी बात नहीं कर रहे हो? क्या बोलो अंजलि, मैं एक बार तुम्हें जबरदस्ती लाकर आईएएस से दूर कर दिया, और अब तुम्हें अंधा करके तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। इतना सब करने के बाद तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता अंजलि? ए सीनू, डॉक्टर आज फॉरेन जाने वाला है। नहीं, जल्दी आओ। अंजलि, सॉरी अंजलि। सीनू, तुम अब तक गए नहीं, क्यों वापस आ गए? नहीं, तुम्हें घर वापस छोड़ कर आऊंगा, संभल कर। ओके, अब तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें जल्द से जल्द इन्फॉर्म करूंगा। सर, इसी महीने इन्फॉर्म कर देंगे ना सर, क्योंकि अंजलि को आईएएस के पेपर देने हैं सर। देखो बेटा, अंजलि की आईएएस की तैयारी से ज्यादा एक्सीडेंट में अंधे हुए साइंटिस्ट को और बॉर्डर में अंधे हुए मिलिट्री ऑफिसर को ज्यादा जरूरी है आँखें। ऑफ कोर्स, सबको अपनी परेशानी बड़ी लगती है, यहाँ हम समस्या दूर नहीं करते, प्रोसेस से काम करते। अगर उस तरह से देखा जाए तो तुम्हारी अंजलि को अगले साल के बाद ही आँखें मिल सकती है। सर, उससे पहले अंजलि की आंखें ठीक नहीं हो सकती। आई एम सॉरी, अब आप जा सकते हैं। सर, आप भी ऐसे प्लीज। अंजलि, कौन सी किताब चाहिए? इन सारी किताबों को अपने किसी दोस्त को दे दो स्वाति, अब ये मेरी किसी काम की नहीं, कम से कम उनके तो किसी काम आ जाएगी। अरे बेटा, उसे कोई दूसरा अपनी आँख क्यों दे, मैं ही अपनी आँख दे देता हूँ। दादाजी। हाँ बेटा, 60 साल तो हो गए हैं, अब तक जीवन में सब कुछ देख लिया है,
अब मुझे आँखों की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, आप आँखें दे दो और मैं सारी जिंदगी आपकी सेवा करूँ। चुप करो, आज तक मुझसे झगड़ा करती रही, अब दादाजी का तो लिहाज करो। अरे बेटा, उसकी चिंता वो नहीं है, मैं कहीं अंधा न हो जाऊँ इस बात का दुख है। हाँ हाँ, चाहे कुछ भी हो मैं आपको आँखें नहीं देने दूंगी। भाभी आप परेशान मत होइए, जब आदमी जिंदा होता है तो कोई भी आँखें नहीं लेता, मरने के बाद ही उसकी आँखें दान दी जाती है। क्या कहा, जिंदा आदमी अपनी आंखें नहीं दे सकता क्या? नहीं दादाजी। दादाजी क्या है रे, मरने जा रहे थे क्या? तुम्हारा प्लान मैं कैसे जान गया? तुम्हारे साथ ही तो कितनी बार देखा था ये मेलोड्रामा सीन। एक्सक्यूज मी, 20 साल में ही मैं ये सब समझ गया तो 60 तक क्या क्या नहीं जान जाऊंगा। दादाजी एक लड़की की आंखें चली गई तो आप इतना परेशान हो उठे, माँ बाप सबका प्यार देने वाले दादाजी ही अगर नहीं रहेंगे तो हमें कितनी परेशानी होगी दादाजी। लेकिन इस तरह की बात आप कभी भी नहीं सोचेंगे, है ना दादाजी? बेटा दादाजी, बेटा बेटा, रोइए मत दादाजी, आप रोएंगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा। बेटा फिर उसे आंखें कैसे मिलेंगी? आप इधर तो आइए। अब इधर किस लिए लाया है? सर्वम चिरंजीवी, सब अपना बॉस देख लेगा क्या? भैया बिन माँ बाप का मैं बचपन से ही दोस्तों के साथ खेला, दुखी हुआ तो तुम्हारी फोटो देख लिया करता था, लेकिन आज मेरी लापरवाही की वजह से आईएएस के पेपर देने वाली एक लड़की की आंखें चली गई। उस लड़की की आंखें वापस लाने के लिए मैंने सारी कोशिशें की लेकिन आंखें ठीक नहीं हुई। आदमी के हाथ कुछ न होने वाली सिचुएशन पर भगवान के ऊपर सब छोड़ देते हैं, मांगने पर वो देवता देगा या नहीं। इतने अच्छे काम करके इतने लोगों के बीच के भगवान तो तुम ही हो, ये मुश्किल है फिर भी जानते हुए मैं तुम्हें ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। तुम्हारे जवाब पर उस लड़की की जिंदगी में रोशनी लाने के विश्वास में हूँ, आपका सीनू। डियर सीनू, तेरी चिट्ठी पड़ी, दूसरों की आंखें चली गई तो तू परेशान हो बैठा, इस बात से मैं खुश हुआ। तुझे मेरा फैन कहने पर गर्व महसूस होता है। तेरी चिट्ठी में मुझे एक चीज पसंद आई, तुमने मुझे भगवान बना दिया। मैं भी तुम्हारी तरह मनुष्य ही हूँ, तुम लोगों की वजह से ही तो मैं ऐसे अच्छे काम कर पाता हूँ। अपनी तरफ से अंजलि को आंखें देने के लिए मैं आई बैंक में बोल दूंगा, तेरे विश्वास ने इस चिरंजीवी को चिरजीव बना दिया है। तुम्हारा चिरंजीवी। चिरंजीवी ने मुझे लेटर लिखा है। ए, क्या हुआ तुझे, क्यों चिल्ला रहा है इस तरह? अरे बता तो। भैया भैया क्या हुआ सीनू? भैया चिरंजीवी ने मुझे चिट्ठी लिखी है। भाभी भाभी चिरंजीवी ने मुझे चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखी है। स्वाति क्या हुआ? स्वाति अंजलि का है, अंजलि राम के साथ एग्जीबिशन देखने गई है। अंकल दो चोकोबार देना। राम क्या है सीनू? अंजलि का है, जानता है तू? मुझे कहा कि तू आइसक्रीम खा ले और पैसे दे दिए उसने, वो वहाँ होगी देख लो। अंजलि 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 कैसे हुए हमें धोखा देने के? छोड़ दो दादाजी, आप कुछ नहीं जानते इसके बारे में, छोड़ दो मुझे। आज तक ये ड्रामा कर रही थी, ये अंधी नहीं है। ये सब क्या है बेटी, आखिर तुम हमारे घर को क्यों बर्बाद कर रही हो? बदला
सीनू से बदला। ए, तूने बर्बाद किया था ना आईएएस की पढ़ाई को नहीं बल्कि मेरी लाइफ को। उस दिन जब मैंने स्वाति का एक छोटा सा एक्सीडेंट किया था, उस दिन मैं जा रही थी अपनी शादी के लिए। उस दिन रजिस्टर ऑफिस में कुमार के साथ मेरी शादी थी। इतना टाइम हो गया, अंजलि अभी तक आई क्यों नहीं? आधे घंटे पहले निकल चुकी है, आती ही होगी। क्यों रही, आंखें सिर पर रख रखी है क्या तूने? जीवन कुमार के साथ बिताना चाहती थी। बचपन से मेरे माँ बाप नहीं थे लेकिन मेरे अंकल ने मुझे पाला। अंकल कुमार दोनों एक साथ उस दिन ब्लास्ट में मर गए। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे उस दिन गुस्सा आ गया, बस ये वही गुस्सा बदले में तब्दील हो गया और तब से मैंने सीनू को मारना चाहा। इसीलिए मैंने उस दिन सिनेमा हॉल में सीनू को मारने के लिए गुंडे भेजे। लेकिन वो तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए और तब मैंने डिसाइड किया कि प्यार का नाटक करके मैं तुझसे अपना बदला ले लूंगी। और इसीलिए आयस की स्टोरी कहकर तुम्हारे घर में मैं दाखिल हुई थी। मेरी लाख कोशिशों के बाद मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाई, तब अपने दोस्त से मिलकर अंधेपन का ड्रामा किया। लेकिन तब तुम शायद मेरे करीब होने लगे थे। बस कुछ चार दिन हो जाने के बाद ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके मैं चली जाती। अभी भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तू मेरी बात अच्छी तरह याद रखना, मेरा टारगेट आईएएस नहीं तू है। सो गेट रेडी। स्वाति, उनको देखो कितने मजे से खेल रहे हैं। कुछ देर के लिए लड़ लेते हैं, फिर मिलकर खेलने भी लगते हैं। उन्हें इस उम्र में कोई भी परेशानी नहीं होती है ना? छोटे बच्चे हैं तो क्या हुआ, उनके लेवल की प्रॉब्लम उन्हें भी है सीनू। अगर सब ऐसे ही सोचे तो कोई भी माँ बाप से पिटाई न खाए। गुस्सा ठंडा होने पर वही माँ बाप फिर से प्यार करने लगते हैं, फिर खेल, दोस्त, सब। लेकिन सब भूलने के लिए अंजलि छोटी बच्ची तो नहीं है ना? तू अभी तक उसी के बारे में सोच रहा है? तूने क्या ये जानबूझकर किया था? बोलो। चाहे अनजाने में किया हो लेकिन उस लड़की का जीवन मैंने ही खराब किया तो ना? क्या अंधेपन का नाटक करेगी? बात अगर आंखों की होती तो वापस भी ले आता मैं, लेकिन जाने वालों को वापस कैसे ला सकते हैं? बोल बाबा, मैं तेरी तरह बिल्कुल नहीं सोच सकती, लेकिन तेरी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती है। मेरी परेशानी को बांटने के लिए तू है, दादाजी हैं, भैया भाभी हैं, लेकिन अंजलि का कौन है? कहाँ बैठेगा बोल? वहाँ बैठूंगा। वहाँ बैठेगा? हाँ, अब बैठ जा। ये ठीक जगह है ना? बहुत ठीक है। हाँ, जल्दी से बैठ के कर ले, मुझे तो प्यास लगी है, तू आराम से कर। पिताजी सब मत पी जाना, मेरे लिए भी रखना। तू टेंशन मत ले, तेरे काम के लिए मैं जरूरत भर बचा के रखूंगा। सुनिए विश्वनाथ जी, ये क्या अन्याय है? इस तरह लड़का बीच सड़क पर गंदगी कर रहा है और आप देख रहे हैं? सड़क है इसीलिए कोने पर बैठा के रखा है। रात में ये खुद ऐसा ही करता है, किसी की बात नहीं मानता। चाहे तो आप खुद पूछ कर देख लीजिए, पूछिए पूछिए। किसी को इंसानियत नहीं है, नियम से कोई भी नहीं चलता, ये कैसा अन्याय है? क्यों जी भाई साहब, आप अपने बच्चे से रोड पर ऐसी गंदगी? कौन होता है पूछने वाला? मैंने कहा तू कौन होता है पूछने वाला, बता मुझे। ये रोड तेरे बाप ने बनाया है क्या? किसी के घर में बिठाया है क्या? उसकी इच्छा हो कहीं भी गंदगी करेगा, तेरे घर पे कर रहा है क्या? हाँ बता मुझे। तू मुझसे बात करने आया है क्या? तेरी तरह का आदमी परसों भी मुझसे बात करने आया था, मालूम है मैंने क्या किया? झट से जाकर उसके घर पे बैठ गया, मालूम है? एक बात सुन ले, अगर तू मुझसे ज्यादा सवाल करेगा ना तो मालूम है मैं क्या करने वाला हूँ? तेरे घर पे जाके झट से बैठ जाने वाला हूँ। तेरी तो इतना ही नहीं, कल की ही बात है, कहाँ गया वो? ए इधर आ रे। क्यों रे? कल मैंने क्या किया था बता? क्या किया था बता ना इसे, बता इस पंडित को।
आये देखा ना मेरा डर, आज तूने पूछ लिया, बाद में मुझसे कुछ मत पूछना। किस जगह बुलाएगा, जहाँ भी बुलाएगा उस जंक्शन पर आऊंगा मैं। भारत में बुलाएगा या विदेश में बुलाएगा, आकाश में बुलाएगा या पाताल में बुलाएगा, समझा क्या? समझा मेरी बात क्या? तेरी तो मैं, मेरी बात का इतना बड़ा झटका लग गया क्या? तेरी परेशानी क्या है बोल? तेरे जैसे लोगों को अगर ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो ये शहर नरक में बदल जाएगा। अच्छा अब तू क्या करने वाला है? अरे बाप रे भागो, ये तो मेरे पीछे ही आ रहा है। अरे मैं मर गया, अरे कोई बचाओ, अरे ये मेरे पीछे तलवार लेके भाग रहा है। इधर छुपता हूँ, इधर छुपता हूँ, बच गया। अरे अरे ये कहाँ रुक गया, लगता है मेरे साथ भाग नहीं सका। अरे मेरे साथ पंगा लेगा तो ऐसा ही होगा ना। जाने अनजाने में तू सजा पाने वाली जगह पर पहुँच गया है, एक बार ऊपर देख। महानगर पालिका यही वो जगह है क्या? अब तू अंदर जाकर एक घंटे के बाद ही बाहर निकलेगा। अरे इस जगह मैं क्यों अंदर जाने लगा? अंदर संडास करने मैं जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा। जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा। जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये तो मार ही डालेगा। मैं जाता हूँ, जाता हूँ। तेरा दंड है। अरे मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं मर रहा हूँ। इस वसीयत के अनुसार सारी दौलत की वारिस तुम हो। तुम्हारी शादी होने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें देकर अपना फर्ज पूरा करना चाहते थे तुम्हारे अंकल राजशेखर जी, लेकिन भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया बेटी। भगवान ने नहीं अंकल, चर्बी चढ़े हुए इडियट ने मेरी किस्मत बदल दी है। जो हो गया उसे भूल जाओ बेटी, मैंने तुम्हारे लिए अमेरिका में एक लड़का देखा है, इसी महीने। सॉरी अंकल, कुमार की जगह पर किसी और को मैं नहीं देख सकती हूँ। ऐसे कैसे, सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगी? अंजलि कुमार, अंजलि कुमार, मैं सच में तुमसे मिल रही हूँ। कुमार मैं जिंदा हूँ अंजलि। क्या? मुझे लगा मैं भी उस दिन कार में जल गया, लेकिन कोमा से बाहर आने के बाद उस भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए वापस भेज दिया। आई एम वेरी लकी अंजलि। दोनों के जाने के बाद तुम अकेली हो गई मैंने समझा था, लेकिन उस भगवान ने तुम्हारे सबसे प्यारे कुमार को जिंदा बचा लिया है। गॉड इज ग्रेट। हाँ अंजलि, सच में भगवान है, वरना उस दिन तो मैं उस ब्लास्ट में आप मर गए थे ये समझी थी मैं। पता नहीं कैसे नरक में जी रही थी मैं। देखो बेटी, तुम दोनों बीती बातों को पूरी तरह से भूल जाओ और आज से तुम लोग नए जीवन की शुरुआत करो। बी हैप्पी एंड बी चीयरफुल। मैं इस बारे में अभी जाकर सबको बताता हूँ। बाय बेटी। मेरी जिंदगी में अंजलि मुझसे नहीं मिली होती तो अब तक वो अपनी तरह अपनी जिंदगी जी रही होती, मेरी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। क्यों अंजलि, कार्ड पसंद आया? बहुत अच्छा है। कुमार, रजिस्टर्ड मैरिज की जगह इस बार शादी का मंडप चुना तुमने। ओ ऐसा है कि लास्ट टाइम रजिस्टर्ड मैरिज फेल हो गया था ना, इसीलिए इस बार शादी ट्रेडिशनली प्लान किया है। कुमार बैंक से कैश ड्रॉ किया था ना? ओ सॉरी 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 सॉरी, बैंक से कैश नहीं किया, शादी का हॉल बुक नहीं किया, ज्वेलरी। ओफो अंजलि, शादी की सारी तैयारी बाकी है, चलो तैयारी करते हैं। सारी तैयारी हमें तो करनी है ना। ठीक है, अभी उसमें टाइम है। ओके ओके, सॉरी सॉरी, बाय अंजलि। क्यों, पहला कार्ड किसे दोगी? मुझे ना। फर्स्ट कार्ड तो मैं बेस्ट पर्सन को ही दूंगी। कौन है वो? दादाजी दादाजी, अंजलि आ रही है। पापा अंजलि आ रही है। माँ माँ आओ बेटी, मुझे पता था तुम इस दादा को नहीं भूल सकती। आओ अंजलि। सुवर्णा ये देखो कौन आया है। आओ अंजलि अंदर आओ। अरे अंजलि कैसे हो? अंजलि तुम पुरानी बातें भुलाकर हमारे घर आओ, भगवान से यही प्रार्थना करती थी। ये लो कुमकुम लगा लो। नहीं मैं तुम लोगों को यहाँ कुछ बताने आई हूँ। सीनू, हाय। मुझे एक शॉकिंग न्यूज देनी है सीनू। जो कुमार मर गया था ना, वो वापस आ गया है। इस महीने की 13 तारीख को हमारी शादी है। सीनू यू आर माय फर्स्ट इनवाइटी, तुम्हें मेरी शादी में जरूर आना चाहिए, क्योंकि कुमार जब मुझे मंगलसूत्र बांधेगा ना, तब तुम्हारी आंखों में पानी जरूर आना चाहिए। सिंदूर भरते समय तेरा सर फटना चाहिए। दादाजी दीदी स्वाति सबको मेरी शादी में आना पड़ेगा। अगर सीनू नहीं आया तो आप उसे लेकर आइएगा। It's my wedding invitation. Bye, Sinu. Huh?
ये देखो सीनू। ये क्या है स्वाति? इसे भी फाड़ दो सीनू। अंजलि को भुलाने के लिए अपनी डायरी फाड़ रहे हो। मेरी यादें भुलाने के लिए इसे भी फाड़ दो सीनू। अंजलि की शादी नहीं होनी चाहिए सीनू। ये क्या बकवास कर रही है? ठीक कह रही हूँ। जानते हो मुझे धोखा किसने दिया? तो सुनो, अंजलि जिससे शादी कर रही है उसने। स्वाति, अभी उसे यहाँ लाकर तेरी गर्दन में मंगलसूत्र बंधवा देता हूँ। जो मुझे छोड़कर चला गया, मुझे उसकी जरूरत नहीं। अब उससे मंगलसूत्र बंधवाने से तो अच्छा है कि मैं सारी जिंदगी बिना मंगलसूत्र बांधे ही रहूं। लेकिन इस वक्त तुम्हें ये सब छोड़कर सिर्फ ये बात सोचनी है बाबा कि उस आदमी के हाथ में बेचारी अंजलि की जिंदगी है। सोचो उसका क्या होगा। वो किसी को धोखा दे उससे मुझे क्या? उसने तुझे धोखा दिया और उसने मुझे धोखा दिया। जोड़ी अच्छी है ना? वो तो फिर भी एक इंसान है। लेकिन जिस आदमी ने मुझे धोखा दिया है वो आदमी इंसान नहीं है। उसे आज तेरी मदद की जरूरत है। एक बार फिर सोच ले। अब क्या सोचूं उसके बारे में? अब उसके बारे में सोचने के लिए कुछ नहीं है। अपने दिल पे हाथ रख के बोल सीनू, तू अंजलि से प्यार नहीं करता? नहीं करता। दोबारा बोल। नहीं, कितनी बार कहूं? एक बार फिर से बोल। नहीं करता। आंखों में लिखी बात को जबान पर आते आते थोड़ा वक्त लगता है सीनू। तुझसे मिले, दिल की कली तुझसे खिले।
ये देखिए सर, एकदम लेटेस्ट है। आपका सुरूर में हंसिका ने पहनी थी, याद कोई है? दूसरी पहने उसे सेलेक्ट करूं, ऐसा बैड टेस्ट नहीं है मेरा। तुम वो ब्लू दिखाओ। ये वाली सर। इसे किसी ने पहना क्या? नहीं सर, ये तो अब तक किसी ने नहीं पहना। मतलब ये लेटेस्ट है, ये ठीक है। अंजलि इसमें सुपर लगेगी। बहुत बकवास लगेगी। हाँ सर, आपकी बुढ़बी पर ब्लू अच्छा नहीं लगेगा। मेरी बीवी है, मेरी मर्जी है। ये कहने वाले तुम कौन हो? आपकी बुढ़बी आपकी हो सकती है, लेकिन कलर ज्योतिष को आप या आपकी बुढ़बी मना नहीं कर पाएगी। कलर ज्योतिषी? हाँ सर, आप गाजर के रंग के हो। सारी अच्छी नहीं लगी इसलिए बैंगन के रंग पर पलट गए। इस तरह के लड़कों की बुढ़बी डेफिनेटली टमाटर के रंग जैसे होती है। बैंगन और टमाटर को मिलाओ तो मिलावट अच्छी रहेगी, आपकी मैरिज लाइफ भी अच्छी होगी। बैंगन में थोड़ा अगर टमाटर मिला हो तो जमेगा, समथिंग लाइक पिंक कलर। ये तुम्हारी कलर ज्योतिष नहीं, सब्जी ज्योतिष है। सब्जियों की भी ज्योतिषी नहीं है जी, आपकी बुढ़बी की ज्योतिषी है। लगे तो ले जाओ, वरना आपकी मर्जी। बढ़ाया कलर ज्योतिष वाला, वो बेवकूफ था। तुम ऐसा करो, ये ब्लू पैक करो, ये अंजलि पर। ये तो बिल्कुल जमेगा सर। कुमार, ये सूट कैसा है? सुपर, तुम्हारी सिलेक्शन तो काफी अच्छी है। कलर मैडम पर अच्छा लगेगा ना। शट अप, ये साड़ी मेरी माँ भी नहीं पहनेगी, मैं पहनूंगी। कलर कॉम्बिनेशन नहीं आता, फिर सेल्समैन कैसा? तेरी नारियल रंग जैसी पैंट पर प्याज के जैसी शर्ट पहने देख समझ बैठी थी तेरी टेस्ट। हाँ, वो पिंक कलर साड़ी देना। सर, अब मेरा चेहरा क्या दिख रहा है? अभी वही तो सेलेक्ट किया था ना मैं। आप ही ने तो कहा था सर, अभी निकालता हूँ, अभी निकालता हूँ। सर ने सेलेक्ट किया मैडम। जल्दी कुमार, मैं टाई सेलेक्ट करके आती हूँ। सर, इसका मतलब वो कलर ज्योतिषी सही कह रहा था। बकवास करोगे तो खोपड़ी नहीं बचेगी, इसे पैक करो। उसने जैसा कहा था कि लड़की टमाटर तो है, लेकिन ये तो मूली जैसा है। आइए सर, आइए। आप तो जामुन जैसे हैं और ये अमरूद जैसी है। अमरूद खाने में कितना मजा आता है सर, और जामुन खाकर गुठली फेंको तो मुंह काला हो जाता है, इसीलिए आपको काला कलर पसंद होगा। क्यों जी? मुझे लहंगा चाहिए। तब तो लहंगा भी काला होगा। कुमार, मैं बुक खरीद कराती हूँ। हेलो बॉस। ए, तुम हमारा पीछा कर रहे हो क्या? यहाँ क्यों आए हो? कुछ नहीं बॉस, तुम कौन सा साबुन यूज करते हो ये पूछने आया था। साबुन के रिप्रेजेंटेटिव हो? नहीं बॉस, साबुन की ज्योतिषी से दुकान के अंदर गई लड़की कौन सी किताब खरीदी ये बता सकता हूँ। अच्छा, इतने टैलेंटेड हो। मैं लिरिल चनाता हूँ। ओह, LIRIL, लिरिल। उल्टा पढ़े तो भी LIRL, लिरिल। जानते हो, कैसे भी पढ़ो वही आता है, इसलिए वो लड़की जहाँ भी जाती होगी वही किताब खरीदती होगी। कौन सी किताब? एंडमोरी, यानी सफलता की छठी सीढ़ी। अगर ये किताब नहीं खरीदी तो मैं अपनी ज्योतिषी को गलत मान लूंगा। अगर वही किताब खरीदी तो अच्छा ये बताओ कि तुम ये सब कैसे जानते हो? पता करना है तो ढाबा गार्डन जिंजर ले आना। ओके बाय। ए, मिस्टर, ए, ए, सुनो, ए। कुमार, किसे बुला रहे हो? वो साबुन वाले को। तुम बैठो। कौन था वो? ये बताओ कौन सी किताब खरीदी? एंड मेरी सफलता की छठी सीढ़ी। तुम्हारे पास बेस्ट आइसक्रीम कौन सी है? वेनिला विद टोमेटो सॉस। तुम यहाँ? या, इट्स मी, सिनू। टोमेटो सॉस विद वेनिला आइसक्रीम है? हाँ, लड़कियाँ अक्सर अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए खाती है ऐसी आइसक्रीम। आइसक्रीम ज्योतिष है ना? नो, इट्स अ ब्यूटी सीक्रेट, यू सी। पसंद हो तो ऑर्डर कर लो। ठीक है, कुछ तो ऑर्डर करना ही है ना। अच्छा ये बताओ कि अंजलि के मन की बात तुम कैसे जानते हो? वो तो बहुत बड़ा राज है, चार आदमी के सामने बोलने वाली बात नहीं है। अच्छा कहाँ बताओगे, बोलो। बाथरूम में। बाथरूम में? सी यू देयर, बाय। बाथरूम में? सर ऑर्डर प्लीज। वेनिला आइसक्रीम विद टोमेटो सॉस। व्हाट? टन। ये क्या, कोई अलग वैरायटी है? तुम्हारी सुंदरता बढ़ाने के लिए वैरायटी, नोएटी आइसक्रीम। आइसक्रीम कविता है क्या? आइसक्रीम ज्योतिषी। अच्छा नहीं था। व्हाट इज दिस? एक्सक्यूज मी। थैंक यू। हाय, तुम यहाँ? हेलो, तू यहाँ क्यों आया? तू यहाँ क्यों बैठ गया? उठ। तुम जानते हो? हाँ, तुम भी इसे जानती हो? इसके घर 3 महीने थी। क्या कह रही हो, 3 महीने? यस बॉस, 3 मंथ्स। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जस्ट गेट लॉस्ट। वेनिला विद टोमेटो सॉस अच्छा था ना बॉस? गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। व्हाट? गेट लॉस्ट। ओके ओके ओके। सिनु सिनु, अंजलि मैं जरा अभी आया। तुम कहाँ जा रहे हो? पर्सनल। पर कहाँ? कहाँ गया वो? 3 महीने तक अंजलि उसके घर में रही होगी, मालूम नहीं क्या हुआ होगा। क्या बॉस, बड़ी गहरी सोच में हो। अंजलि की बातें कैसे बताता हूँ, अब तक नहीं समझे क्या? हाँ हाँ, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि तुम अंजलि के बारे में कैसे बता सकते हो। ओ, वो तुम्हारा डाउट मैं समझ गया बॉस। उस जैसी ज्यादा सुंदर लड़कियाँ मेरे घर में 3 महीने, ओ सॉरी, 3 महीने रही थी। तब हम दोनों के बीच में क्या हुआ था, ये डाउट है ना? मेरी सोच ऐसी नहीं है। वो क्या है कि है ना, वो शनिवार की आधी रात थी, जोर से शुर बारिश हो रही थी। उस रात जब बारिश हो रही थी, रात में बारिश हो रही थी। टेक ए ब्रेक।
ऐड कर लो, अगली बार मिलेंगे, बाय। सिनू, बारिश की रात में क्या हो रहा होगा? बेटी 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 बेटी, आप अगर केले के साथ छिलका भी खाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छिलके इसमें डाल दो, इन छिलकों से बहुत परेशानी हो जाती है। बेटा डाल दो। अरे भाई छिलके नीचे मत डालना, अभी आया मैं। मेरी कमर। ये कैसी लीला, मर्डर करने वाला मानवों से छिलके बटोर रहा है, तो सच में वो भगवान है। गोविंदा, आपके पास कोई छिलका है क्या? छिलका तो नहीं लेकिन खाल है। बाप रे, गलती हो गई। अरे रुको, मैं आ रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारा भगवान? नास्तिक आदमी खुद मंदिर आया है, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? हाँ, मैं यही देखने आया हूँ। मेरे स्टाफ के एक लड़के ने मेरी बेटी को कहीं देखा, उसी के बारे में बात करने आया हूँ। तो उसके बाद राधा ने क्या कहा? माधव शास्त्री बहुत अच्छे इंसान है, वो जरूर तुम्हें भगवान दिखाएंगे, जाकर देखकर आइए। कहा इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, अगर तूने भगवान को दिखाया तो राधा से तेरी शादी करवा दूंगा, नहीं तो उस लड़के से, फिर तेरे लिए मेरी बेटी को देखना नियम के खिलाफ हो जाएगा। तो बिना देखे नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो आइए, वो देखो महान भगवान। ये तुम्हारे भगवान हैं? हाँ। अगर ये भगवान तुम्हारे हैं तो लोग घर में पूजा करते हैं, वो कौन है? वहाँ भी भगवान ही होते हैं। तो फिर यहाँ के भगवान को हटा सकते हैं ना? नहीं नहीं, ये पाप है। तो ये सच है या वो झूठ है? गलत, ये असली है या वो नकली है? कंफ्यूज किए बिना बता बेटा, उस घंटे में क्या है? उस दान पेटी में है? उस स्तंभ में है? इस ग्रिल में है? उस दीवार में है? हाँ हाँ। क्या इस केले में है? हाँ बिल्कुल। ठीक है जरा, तुमने कहा था इस केले में है ना? हाँ है। दिखाओ, कहाँ दिखाओ, चल दिखाओ। नमो वेंकटेश, नमो। हाँ हाँ, भगवान मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रसाद खाने की चीज है, बेवकूफ बनाने की नहीं। अब तू मुझे भगवान के दर्शन नहीं करा पाया है, इसलिए उस लड़के से अपनी बेटी राधा की शादी तय कर दूंगा और तू घूमता रहेगा। ससुर जी। क्या बेटा? आज रात को भगवान है ये साबित करके रहूंगा। तो ठीक है, तेरे लिए आज रात को मैं आ जाऊंगा। नहीं, मैं खुद आकर दरवाजा खटखटाऊंगा रात को। ठीक है, आऊंगा। ठीक है, जरूर आऊंगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। भतीजे, मैं जो पी रहा हूँ वो रम वो थोड़ी है कम, उसकी टेंशन तू मुझे देकर मजे कर। ये सीनू ने ऐसा टेंशन दे दिया कि शराब चढ़ ही नहीं रही है चाचा। हाय। 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 क्या हुआ बॉस? बारिश की बात सुनते ही शराब पीने लग गया। अगर आगे पता चलेगा तो जहर पीने लगेगा। अंजलि, सच में तुम्हारे घर पे 3 महीने रही थी क्या? 2 दिन ज्यादा रुकी थी। तुम दोनों फिल्म देखने गए थे, शॉपिंग भी गए थे, बीच पे बोटिंग भी की थी, पिज़्ज़ा कॉर्नर पे भी गए थे, हाँ आइसक्रीम पार्लर भी गए थे। फिर क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ। तभी बारिश नहीं हो रही थी ना? तब बारिश नहीं हो रही थी ना? तो फिर बारिश की रात को क्या हुआ था बता? वो क्या हुआ था ना? बोल रे, बोल वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। बोल क्या हुआ था बारिश की रात को? बोल, बोल वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। बोल 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 रे भतीजे। क्यों नहीं बोल भतीजे? बोल। अरे भतीजे क्या हुआ? चाचा बारिश की रात को क्या हुआ था बताता ही नहीं मुझे। यहाँ कोई नहीं है, देखो देखो ना वो मुझे कैसे घूर रहा है। अब देखो, शराब पीते ही कहता है कि अमिताभ बच्चन मेरी बगल में बैठा है, क्या होगा तेरा? वो बात नहीं है चाचा, उस बारिश की रात को क्या हुआ था यह सोच सोच कर मेरी खोपड़ी फट रही है। तू टेंशन मत ले, क्या हुआ था ये बात मैं उसके हाथ पैर तोड़कर पूछ लूंगा। कहाँ रहता क्या है? क्या पता, कहीं फालतू का काम कर रहा होगा। ए, एक स्ट्रेचर यहाँ भिजवा दो। ब्लड अरेंज करने में 6 घंटे और जाएंगे? इधर बच्चों की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है, आप जरा जल्दी ट्राई कीजिए, एज सून एज पॉसिबल प्लीज। बच्चों की हालत कैसी है डॉक्टर? बच्चों के ब्लड काफी बह चुके हैं, हमारे अस्पताल में ब्लड स्टॉक खत्म हो चुका है, अब क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर जितना ब्लड चाहिए मैं ला कर दूंगा तुम्हें, पर बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर, प्लीज सेव देम डॉक्टर, प्लीज सेव देम। बॉक्स इन्हें दे दो, संभाल कर ले जाना। अरे वाह, भतीजे ने जैसा कहा था ये छोटा ही है, यहाँ पर क्या कर रहा है? उसमें क्या है भाई, रक्तदान करो, जीवन दान करो, ये बात तो अपने बॉस ने भी कहा है ना, आप भी ब्लड बैंक जाकर ब्लड दो भाई, बहुत अच्छा काम है। ए, मैं इस रक्तदान की बात नहीं कर रहा हूँ, उस दिन रात में क्या हुआ था? ओ तो वो बात है, तो उस बारे में बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ये ब्लड देना जरूरी है, मुझे जल्दी वहां पहुँचना है। इसे क्या समझा तूने? चिरंजीवी के ब्लड बैंक का ब्लड है ये, अगर एक बूंद भी नीचे गिरा तो ये सारे लोग मिलकर हमारी ऐसी की तैसी कर देंगे। जा पहले ध्यान से इसे अंदर देकर आ। ठीक है भाई। छोड़ना मत इसे।
आपने जो ब्लड मंगवाया था ये रहा वो। थैंक्स आपका, ठीक समय पर ब्लड लाकर आपने बच्चों की जान बचा ली है। हम भले ही डॉक्टर हैं, लेकिन तुम जैसे यंगर्स की सहायता के बिना बच्चों की जान बचाना बहुत मुश्किल होता है। सर ये जीत हमारी वजह से नहीं, जिनकी वजह से हुई वो है मेगा स्टार। हे भगवान, अम्मा अम्मा उठा ले मुझे। चाचा चाचा चाचा, मुझे खून निकाल लिया। खून निकालना बड़ी बात नहीं है, उस बात के बारे में कुछ पता चला? एक बात का पता चला है भतीजे। क्या है वो? खून निकालने के बाद कमजोरी आ जाती है। ये जूस पी लीजिए सर, जरूरी है ये। अरे इससे मेरा क्या होगा, एक ओल्ड मंक का पेक बना के दे दो। शट अप स्टूपिड। चाचा बारिश की रात के बारे में कुछ पता चला कि नहीं बताओ, वरना तुम्हें रम के बोतल में ही पैक कर दूंगा। मेरी रम तो बाद में देखना भतीजे, पहले तू अपना खून बचा। वो देख सामने। हाय, क्या प्रॉब्लम है भाई तेरी? अब तुझे क्या चाहिए बोल? उस बारिश वाली रात को क्या हुआ था बताओ। अच्छा वो वही वही काले आसमान में दड़िंग 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 सफेद सी बिजली, उस बिजली में अंजलि की जांग पर काला सा तेल दिखता है। हाँ, अंजलि की जांग देखी थी? अरे वही तो है हम दोनों के बीच की गहराई। जांग पर तिल देखा तो गहराई दिखाई दी। हाँ में जलती है शम्मा, कुछ तकल्लुफ अपना करना, परवाने को दे चुम्मा। तू मेरी है मैं तेरा हूँ, मैं बना हूँ तेरे लिए। मैं तेरा हूँ तू मेरी है, तू बनी है मेरे लिए। यम्मा 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 तुझ में जलती है शम्मा, कुछ तकल्लुफ अपना करना, परवाने को दे चुम्मा। आती नहीं जान तो जान से जाती मेरी, तुझको अगर वो
पाती नहीं, जाने हसरत जाने तमन्ना, मेरा एक सपना है तू, हाथों में देखा है सोते में पाया है बस एक अपना है तू, मुझको ना देखे मुझको ना सोचे दिल तो मिले दिल के बदले, मुझको ना देखे मुझको ना सोचे दिल तो मिले दिल के बदले, आज है जुम्मा जुम्मा तू दे चुम्मा चुम्मा, हर हर हाय अम्मा ये तो मांगे है चुम्मा, इसको जलना आता नहीं मुझको कहता है शम्मा, माने सभी मेरी अता के दीवाने सभी, मुझसे जहाँ में ही किससे बने मुझसे ही बनते फसाने सभी, मुझको समझ ले मुझसे तू बच ले जीना ना तू भर लो, मुझको है पाना खुद को गवाना बनती है जा पर हो, मुझको तो पाना है तुझ में समाना है जाए तो जाए ये जीवन मेरा, मुझको तो पाना है तुझ में समाना है जाए तो जाए ये जीवन मेरा, आजा 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 मेरे राजा राजा राजा, यम्मा 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 तुझ में जलती है शम्मा, कुछ तकल्लुफ अपना करना परवाने को दे चुम्मा, तू मेरी है मैं तेरा हूँ मैं बना हूँ तेरे लिए, मैं तेरा हूँ तू मेरी है तू बनी है मेरे लिए, यम्मा 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 तुझ में जलती है शम्मा, कुछ तकल्लुफ अपना करना परवाने को दे चुम्मा, डुएट खत्म हो गया भतीजे। डुएट किसके साथ था? अंजलि का सीनू के साथ। चुप। मैं गा भी नहीं सकता क्या? मैं नहीं गा सकता क्या? तो मुझे क्यों मारते हो? वो खुद दिखाई दिया था। हाँ, पानी में उसका तिल भी दिखाई दे रहा था। अच्छा, उसको तो तिल अब मैं दिखाऊंगा। कौन है? ओ, तो तू है? मैं ही हूँ ससुर जी। वादे के मुताबिक आ गया, भगवान को लेकर आया है ना? कहाँ है? हेलो भगवान। हाँ, उस भगवान के बारे में ही बताने आया हूँ। ओह, कहानी सुनाएगा? हाँ, रामायण में राम के बारे में बताऊंगा, भागवत में श्री कृष्ण के बारे में बताऊंगा। जैसे रामायण भागवत गीता हमें पता ही नहीं है। हाँ, लेकिन रोड पर चलने वाले आदमियों की बात मानकर सीता को घर से निकालने वाला राम भगवान है? 8,000 बीवियों वाले नाचते श्री कृष्ण भगवान है क्या? दुर्गम से सही मार्ग और राह दिखाने वाला ये सुपरिचित है, तुझे भगवान चाहिए? ओ, तू तो माधव शास्त्री है, दिखाओगे? हाँ। दर्द हुआ? तूने छुआ ही नहीं, दर्द कैसे होगा? अब दर्द हो रहा है? अब दर्द हो रहा है? दिखाई तो नहीं दे रहा। अब दर्द कैसे दिखेगा? नहीं दिखता। नहीं। क्या कर रहे हो? क्या हुआ राधा? मैंने तुम्हारे पिताजी को मारा है क्या? माधव से भगवान के बारे में पूछा था ना, मैं दिखाता हूँ। माधव, क्या हुआ राधा? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हारे पिताजी का चेहरा पीला पड़ गया? मुझे गाली दोगे तो चलेगा, लेकिन भगवान को कुछ कहा तो मार डालूंगा। क्या हुआ राधा? तुम्हारे पिताजी तो कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। रुक 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 रुक, जॉनी लीवर को देखा, राजपाल को देखा, बोमन ईरानी को देखा, परेश रावल को भी देखा, लेकिन तेरे जैसा एक्टर नहीं देखा बेटा। दिखाने पर आँख दिखा सकते हो, कान दिखाते हो, दर्द क्यों नहीं दिखा पाते हो? दर्द कैसे दिखाई देगा? वही है भगवान, मतलब जिंदा रहोगे तो भगवान होता है, मुक्ति मिलेगी तो भगवान दिखेगा। तू अपरिचित है, परिचित है या सुपरिचित है पता नहीं, लेकिन मेरी आंखें जरूर खोल दी, मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करूंगा, भगवान होते हैं। तुम्हारे पिताजी ऐसी बात कर रहे हैं तो मुझे चक्कर आ रहे हैं राधा। भगवान होते हैं।
कुमार, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बहुत टेंशन में हूँ अंजलि, मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए। क्या? मुझे तुम्हारी जांग देखनी है। पागल हो गए हो क्या? अगर मैंने तुम्हारी जांग नहीं देखी तो मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज प्लीज अंजलि, मुझे एक बार प्लीज, एक बार मुझे अपनी जांग दिखा दो। प्लीज अंजलि, प्लीज मुझे माफ करना। अंजलि अंजलि प्लीज, एक बार, बस एक बार, प्लीज अंजलि। अंजलि रुको, बस अंजलि, अंजलि अंजलि, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, प्लीज मुझे देखने दो एक बार। दिल नहीं है। ए, तू हंस क्यों रहा है? तिल 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 ओ तिल शट अप आई से शट अप बस बस बहुत हो गया। तुमने कहा था लेकिन अंजलि की जांग पर तिल नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर तूने तो कहा था कि तिल है। तिल होता तो अच्छा होता, कहा था। इसका मतलब है कि डुएट बंद करो। ए, मेरी अंजलि वैसी नहीं है, मैं पहले से ही जानता था। इसीलिए तो जल रहा था। वो मजाक था, ट्रेजेडी। लेकिन तिल को ढूंढने की क्या जरूरत है? उससे ज्यादा तुम्हें मुझ पर विश्वास होना चाहिए। तू अपनी ये बेहुदा बकवास बंद कर। दोबारा अगर मेरे और अंजलि के बीच में तू आया ना तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। चलो चाचा। ए, भतीजे ने कहा इसलिए छोड़ दिया, वरना मैं तो विश्वास मानने वाला नहीं था, तोड़ दूंगा। ए, डर गया भतीजे, डर गया। अंजलि, यू तुम चले जाओ, अपनी शक्ल मत दिखाना। अंजलि मेरी बात सुन लो। अंजलि गो अवे, तुम यहाँ रुके तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। अंजलि पहले मेरी एक बात तो सुन लो। अंजलि शट अप। नहीं, तुझ जैसे बदतमीज को तो मान नहीं ठीक है। अंजलि के साथ ऐसा क्यों किया तूने? बोल, क्यों किया तूने ऐसा? ऐसा नहीं है मामा, ये बात मैं अंजलि को बताना नहीं चाहता था, लेकिन बताना पड़ेगा। बिना बताए उसके साथ ऐसा करोगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा क्या? बताओ आप क्यों किया था ऐसा। अंकल पहले उसे यहाँ से ले जाओ। इसे लेकर जाता हूँ बेटी, लेकिन पता है कल रात इसने क्या किया था? हाँ, दीवार कूद कर। नहीं बेटी, तुम्हारी भलाई के लिए इसने ऐसा किया। What? हाँ बेटी, इसे ज्योतिष का भूत है, हर बात पे ज्योतिषी के पास जाता रहता है उल्लू कहीं का। पता है कल 5-स्टार होटल में कोई ज्योतिषी आया हुआ था। उस ज्योतिषी ने इससे कहा कि तुझसे शादी करने वाली लड़की की जांग पर अगर तिल हुआ तो वो लड़की मर जाएगी। What? बस यही बात अगर वो तुमसे कहता तो तुम परेशान हो जाती, इसीलिए चोरी से देखने आया। भगवान की कृपा से वो तिल वहाँ पर नहीं है, और अगर होता भी तो ये सारी जिंदगी बिना शादी के तेरी देखभाल करता रहता, यही कह रहा था ये। अंकल आप जो कह रहे हो उस पर विश्वास नहीं हो रहा ना तुझे? कभी नहीं होगा। ए, पहले ही कहा था कि उसे बता कर कर, लेकिन वो विश्वास नहीं करेगी। अब वो कैसे विश्वास करेगी तुझ पर? दादा मुझे छोड़ दो, तू अकल नहीं है, उल्लू का बच्चा। दादा कैसे विश्वास करेगी? ये सब क्या है कुमार, इस जमाने में भी ज्योतिष? तुम तो सेंटिमेंटल फूल निकले। नहीं अंजलि, एक बार मौत के मुंह से बचने के बाद मेरा डर खत्म हो गया है। लेकिन तुम्हें कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा? मैं सच कह रहा हूँ अंजलि। कुमार एनीहाउ आई एम सॉरी। हे भगवान, नो, गलती मेरी थी, आई एम सॉरी। बेटी अगर इस समय मैं यहाँ पर हूँ तो इसके लिए सॉरी। मेरा योगा करके जूस पीने का समय हो गया, अब मैं चलता हूँ। अब तुम सो जाओ अंजलि, कल मेरी जानू का बर्थडे है। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू, बाय बाय। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Anji. Happy birthday. Thank you. आपस के झगड़े को भूलकर हमें दोस्त बन जाना चाहिए, क्योंकि आज अच्छा दिन है, फ्रेंडशिप डे। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। अंजलि गेस्ट इंतजार कर रहे हैं, चलें। आप अंजलि के वुड भी है ना? कुमार बाय द वे दिस इज स्वाति, वो सीनू है ना? वही आइसक्रीम पार्लर टोमेटो सॉस, उसके भाभी की बहन है। ये सीनू की भाभी की बहन है। मैंने आपको इससे पहले जरूर कहीं देखा है। नहीं नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले। देखा है जरूर। अरे नहीं। हाँ, अंजलि की शादी के कार्ड पर देखा है। तब में और अब में तो काफी फर्क आ गया है। अरे नहीं, वो यहाँ कहने वाली बात नहीं है। इधर आओ, बताती हूँ। अंजलि हम लोगों का बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। रुको कुमार,
स्वाति कुछ कहना चाहती है ना? चलो हाँ। स्वाति। लेकिन ये सीनू को छोड़कर यहाँ पर क्या करने के लिए आई है? केक खाने के लिए। लेकिन उसकी बातों से तो लगता है कि केक तेरा कटने वाला है। तेरा केक बहुत अच्छा है। और बताइए कैसे है? कुमार, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। अरे नहीं अंजलि, अब इसकी बातों पर विश्वास मत करो। जो दिखाई दे रहा है उस पर विश्वास ना करो। क्या दिखा तुमको? डिसेंट कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, पैंट की चेन लगानी पड़ती है। क्या? पैंट की चेन। ओ, ओ। एक और बात बतानी थी। स्वाति सिनु से शादी कर रही है। यू आर ग्रेट सिनु। स्वाति को मेरे धोखा देने के बाद भी तुम उससे शादी करने वाले हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी की, सारी गलती मेरी ही थी। सिनु मारो 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 मुझे सिनु मारो। I am a rogue idiot, मारो सिनु। रुको बॉस, स्वाति से मुझे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक छोटी सी परेशानी है। उसी के बारे में सोच रहा हूँ। उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा, तुम अपनी बात से बदलना मत सिनु। ऐसा कुछ नहीं है बॉस, कल जब मैं उससे शादी कर लूंगा उसके बाद उसे देखकर मुझे हर बार ये याद आएगा कि तूने उसे धोखा दिया था, बस इसीलिए। इसीलिए शादी से पहले तेरी होने वाली बीवी के साथ बस एक रात गुजारना चाहता हूँ, इतनी ख्वाहिश है। ए, क्या बोला तू? हाँ? क्या बोला तू? बोल। अरे टेंशन में क्यों आ रहा है? बाहर हमारी लेडीज है, पता नहीं तुम्हें? बॉस, अपने पंडित से बात करके आया हूँ मैं कि रात 12:34 पर मजेदार मुहूर्त है। अरे बाप रे। ए, तेरी हाँ हो या ना, उस मुहूर्त पर अंजलि के साथ सुहागरात मनाकर रहूंगा। चलता हूँ। ये बिछिए क्यों निकाल रही हो? बिछिए चुभ रहे हैं ना, उतार देती हूँ तब पैर रगड़ना मजे से। ए, आओ ना। अरे एक मिनट रुकिए, कंगन चुभ रहे हैं ना? ये कंगन तुम क्यों उतार रही हो? अब देखिए जी, हाथ हल्के लग रहे हैं ना? क्या हो गया? गुस्सा आया, मैंने रोका इसलिए, अब आओ ना। आओ, आओ, क्या हुआ जी? मंगलसूत्र चुभ गया? क्यों रे, तुझे सोने में बनाया तो तू मेरे सोने जैसे पति को चुभेगा? अब मैं निकालती हूँ, ये लो। हे भगवान, अब हमारे बीच कुछ नहीं है, अब आइए ना। अब किस लिए आऊँ? पहले पीछे उतारे, फिर चूड़ियाँ उतार दी, आखिर में मंगलसूत्र भी उतार दिया, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। जाओ। अरे जाओ। नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा, कहा ना नहीं आऊँगा। एक बदलना तुझे ही नहीं, मुझे भी आता है। गृहस्थी कैसे चलानी है मुझे पता है। ये नियम नहीं, नहीं ये नियम नहीं है, नहीं, नहीं, नहीं। इधर से आया तो कट, वहां से आया तो कट, इधर से आया तो। क्यों चाचा, ब्रांडी या विस्की? ब्रांडी नहीं है भतीजे, सर्दी है, रम पी रहा हूँ। देख दूंगा घुमा के, वो सिनू का बच्चा यहाँ ना आ जाए उसे लेकर मैं टेंशन में हूँ, और तुम यहाँ बैठ कर रम पीते हुए नक्शा बना रहे हो। रम पीते हुए भी अगर मैं नक्शा बना रहा हूँ तो मैं कितना सीरियस होऊंगा भतीजे? वो सिनू अगर सामने के दरवाजे से आए, पीछे के दरवाजे से आए, किसी भी दरवाजे आए तो खचाक हो जाएगा। घर में मार डालोगे क्या? हाँ भतीजे। अंजलि को पता चल गया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसके लिए प्लान नंबर टू। वो देख भतीजे, वहाँ क्या है चाचा? अरे वो फिल्म है ना, लाका 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 लाका। वो सब अपने ही आदमी है, सीनू अगर आया ना तो यही लेट जाएगा, जिंदा नहीं जाएगा। लाका 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 लाका। चल रम पीते हैं।
चाचा चाचा मैंने कहा ना भतीजे खचक। उसने कहा था वो टाइम होने वाला है, अपने आदमी तो पूरी तरह अलर्ट है ना। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? वो लोग रात भर जागते रहे इसीलिए उनको एक एक खंबा दे दिया है। आपने सबको पूरा खंबा दे दिया? अकल के अंधे। लका 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 लका। हाय। ये सब हमारे घर के सामने का बगीचा है, यहीं पर हमारे सारे लोग छुपे हैं। इस बगीचे में ये जो सारे पेड़ हैं, यही हमारे लिए सबसे खास है। सबसे खास पेड़? बेटा कुमार, पेड़ पर ही तो खतरा है। अगर अपने आदमियों से बच भी गया तो पेड़ के पास आते ही वो खचाक। वो कैसे? उस पेड़ पर हमारे आदमी छुप कर बैठे हैं, वो उसे पकड़ कर चाकू से काट डालेंगे, काट डालेंगे। मुझको पहचान ले, मैं हूँ डॉन। यहाँ से आया तो खचक। Why are you horny? How many times have you been home? How many girls have been? No. अगर इधर से आया तो उधर दरवाजा नहीं है भतीजे। मैं यहाँ छिप जाऊंगा। जानू, जिस काम से मैं आया था वो काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। विश यू हैप्पी मैरी लाइफ। अरे भतीजे, ये अंजलि इतनी रात को क्यों चिल्ला रही है? कुमार हेल्प मी। अरे भतीजे, तू सीन में चलो। हे, तू अंदर कैसे आया? घर में दरवाजे नहीं खिड़की भी होती है। अरे ये तो प्लान ही नहीं किया था। अंदर क्या किया तूने? सेब खा के, किताबें पढ़ते हुए, टीवी देख रहा था। भतीजे, ये नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने कुछ नहीं देखा, मानो या ना मानो, पंडित ने मुहूर्त बहुत ही अच्छा निकाला था। अगर अंदर की बात कहूँ तो अंजलि डासू माल है। शायद तुम जानते नहीं, तुम बहुत ही लकी हो यार। तुम अब अंजलि से शादी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलता हूँ मैं। लग 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 लग। कुमार, अंजलि। अरे अंजलि, क्या हुआ था बेटी? मेरे को समझ में नहीं आया, अंदर आया, सेब खाया, किताबें पढ़ते हुए टीवी देखकर चला गया। अरे उसने जो बोला था वही ये बोल रही है, डाउट की कोई बात नहीं है, जो कहा था वही किया होगा। ये क्या कह रहे हो? कुछ नहीं अंजलि, तुम आराम करो। कुमार, हकीकत क्या है, तुम मुझे कुछ तो बताओ। बेटी, बात ये है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम बाहर निकलो। कुमार, यू हैव टू टेल मी, तुम कुछ बात छिपा रहे हो। कुछ नहीं अंजलि। बताते हो कि नहीं? क्या तुमसे बताऊं मैं, वो सीनू ने तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने को बोला था। शट अप। और तुम ये सब बातें मानते हो कुमार? ये बिल्कुल मानने वाली बात नहीं है अंजलि। अगर मैंने अपनी आंखों से भी देखा होता ना, तो मैं अपनी आंखों को गलत मानता। तुम्हें नहीं अंजलि, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है अंजलि, तुम्हारे शरीर से मुझे प्यार नहीं है। मान गए भतीजे। आई लव माई अंजलि, आई लव यू टिल माई डेथ। ओह शिट, ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ अंजलि? तुम अपने मन में कुछ मत रखना, अब तुम आराम करो। स्माइल, ओके, गुड नाइट, बाय। सीनू, 2 दिन बाद अंजलि की शादी है, अभी कुछ भी बोले वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उसे कुछ नहीं हुआ करके अगर अंजलि बोलेगी तो कुमार उस बात को नहीं मानेगा और उस पर शक करके शादी को तोड़ देगा। उस बीच अंजलि को हमें कन्विंस करना पड़ेगा। ए सीनू, क्यों रे? मेरा रेप किया करके सीन क्रिएट करके बदनाम करोगे तुम? मैं कुमार को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी ऐसा लगा? तुमने सोचा वैसा नीच नहीं है मेरा कुमार, तेरी जैसा नहीं है वो। एक बार के लिए अगर तुमने मुझे रेप किया होता तो तुम्हारे मन को देखा, तुम्हारे शरीर को नहीं। ऐसा कहा मेरे कुमार ने, दैट्स माय कुमार। और हमें अलग करने के लिए और क्या क्या करोगे तुम? क्या हुआ बेटा, ये क्या झगड़ा है? वो कुमार अंजलि जैसा समझ रही वैसा नहीं है दादाजी। ए, कुमार के बारे में तुम्हें बात करने का कोई अधिकार नहीं, तुम उसके पैर की धूल भी नहीं हो। अंजलि, तुम यहाँ पर झगड़ा करने आई हो? झगड़ा नहीं, सीनू ने क्या किया ये बताने आई हूँ। बेटा, जो हुआ बहुत हुआ, चलो तुम जाओ। ओहो, पोता गलती करता है तो दादा तरफदारी कर रहे हैं,
आप भी उसी के साथ घूमते फिरते हो ना, और क्या कहोगे? चुप कर, उनके बारे में बात करने का हक तुझे नहीं है। हमारा सीनू कोई गलती नहीं कर सकता, जरूर ये काम तेरी भलाई के लिए किया होगा। मेरा सीनू किसी के साथ रहे या बिगड़े, इससे तुझे क्या मतलब? देख, अगर अब तूने घर में कदम रखा तो इज्जत भूल जाऊंगी। निकल जा बाहर। तमीज से बात करो। निकल जा। दीदी चिल्लाओ मत। अंजलि, सीनू ने जो कहा वो सच है, कुमार सच में गलत आदमी है। हाँ, कुमार खराब है। किसका रेप किया है उसने? तुम्हारा किया है क्या? हाँ, मेरा रेप किया है उसने। स्वाति रुको बाबा, अगर मैंने नहीं बताया तो अंजलि की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मुझे मत रोको। ये क्या कह रही हो स्वाति? क्या तुम पागल हो गई हो स्वाति? दीदी मैं सच कह रही हूँ। अंजलि ये तो तुम मानोगी कि कोई भी औरत अपने आप को इस तरह से बदनाम नहीं करेगी। कुमार ने मेरी इज्जत से खेला है, ये इसलिए बता रही हूँ कि तुम मेरी जैसी न हो जाओ। सीनू की बात मान जाओ प्लीज, विश्वास करो मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा है स्वाति, तुम्हें कहानी सुनाओ, वो सिंपैथी से देखे, अच्छी एक्टिंग कर रही हो। सीनू को अच्छा मानने के लिए देखो स्वाति, तुम जितनी भी एक्टिंग करो एक्टिंग करो, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं बनने वाली हूँ। हम दोनों को अलग करने के लिए तुम्हारी बेवकूफी है। कुमार से मेरी शादी कोई नहीं रोक सकता, माइंड इट। अब क्या होगा अंजलि? भतीजे, तेरी जिंदगी खराब हो गई सुनकर मेरे कान क्यों नहीं फट गए? भतीजे भतीजे, हमारी जिंदगी खराब हो गई। सीनू ने जो मेरे साथ किया उसको मैं नहीं महसूस कर रहा हूँ, तो तुम क्यों वो करके ओवर एक्टिंग कर रहे हो? दरअसल भतीजे बात ये है कि अगर तेरी शादी उससे हो भी गई और तू शहर में नहीं रहा, और तेरे जाने के बाद अंजलि और वो दोनों मिलकर यहाँ पर कुछ करेंगे, इसी बात को सोचकर मैं रो रहा हूँ भतीजे। उसने टीवी देखा है, किताब पढ़ी है, डोंट केयर, क्योंकि मुझे चाहिए अंजलि की जायदाद। एक बार जायदाद मिल जाए तो रोज लाख रुपए की ऐश करूंगा, समझे चाचा? क्या हुआ बॉस, ये टेंशन है, रम पी रहे हो? चाचा मेरे पास सीनू खड़ा है, तुमको दिखता है क्या? अरे तुझे फिर से चढ़ गई भतीजे। नहीं नहीं चाचा, अगले 45 घंटे में कुमार बदल जाएगा, कुमार राजा हो जाएगा। राजा हो या प्रजा हो, पहले शादी तो होने दे। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है चाचा? स्वाति से तो सीनू शादी करेगा ऐसा उसने कहा था। मेरा रास्ता साफ है, तुम यहाँ आई हो क्या? क्या हुआ, अब तक मुझसे प्यार करती हो क्या जो यहाँ आई हो? सर घूम रहा है, मैं तेरी अय्याशी देखने आई हूँ। इतना नेगेटिव रिस्पांस। मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारी अंजलि से शादी नहीं हो सकती। अरे तो मर जाना है, मार दिया चाचा, उसे मार दिया। तुमने जिसे मारा है वो स्वाति नहीं, शीशा है। शीशा था, हर तरीके नशा चढ़ गई है चाचा। कुछ भी हो जाए वो सीनू और स्वाति को बचना नहीं चाहिए। तुम अर्जेंट में कार और ट्रांसफार्मर अरेंज करो। ये क्या भतीजे, लोग मारने के लिए बम और चाकू मांगते हैं, तू कार और ट्रांसफार्मर मांग रहा है? उसी तरह जो कुछ भी करना है बगैर सबूत के करना है। जब भी मैंने अपनी और अंजलि की शादी के लिए उससे अंकल से कहा, वो मेरे बारे में जानकर हल्ला कर दिया। अमरीश पुरी की तरह जला विलेन बन गया। नो, इस शादी के लिए मैं राजी नहीं। अंकल आपने जो कुछ भी सुना है वो सब झूठ है अंकल। तुम्हारे बारे में सब कुछ पता करके ही मैंने ये फैसला लिया। अंकल मैंने पहले बहुत सी गलती की है, लेकिन अब मैं सिंसियरली अंजलि को दिल से चाहता हूँ। अंकल तुम अंजलि को नहीं बल्कि उसकी जायदाद को प्यार करते हो, ये बात मुझे मालूम है, और मैं तुम्हारी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं अंजलि का सिर्फ गार्जियन ही नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी का होल्डर भी हूँ। चाहे कुछ भी कर लो, जायदाद तुम्हारी नहीं होगी। अंकल इस विषय में अंजलि को मत बताइए। क्या बोलना है मुझे पता है। अंकल अंकल एक मिनट, आपकी बात मैं समझ गया। वेलकम टू आइडिया, सारी जायदाद से मुझे मतलब नहीं, तुम्हारा शेयर कितना चाहिए बताओ। यू चीट। ए, चल बैठो। रुको, रुको, गाड़ी रुको। वो कौन है तुम्हें मालूम है? मुझे नहीं मालूम। फिर कौन होगा ये? तुम हंस क्यों रहे हो, बोलो। वो कोई भी अंजलि को सही समय पर ले गया तुम्हें सबक सिखाने के लिए। क्या कह रहे हो? तुम अंजलि से मिले होते तो शादी के लिए तैयार नहीं होते। क्या? इतने दिनों तक अंजलि का अच्छा बुरा तुमने देखा, उसका ख्याल रखा, आज के बाद उसका और उसकी जायदाद का मैं ख्याल रखूंगा। इधर कहाँ? मरने के लिए। What? Yes, मेरे बारे में सब जानने के बाद तुम्हें मरना होगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा अंकल।
जैसा सोचा था वैसा ही किया, लेकिन कुछ टाइम के लिए मैं कोमा में चला गया था। हाँ। अरे रे रे रे, चढ़ गई है, वो दोनों दिखाई दे रही है। चाचा मुझे भी दिखाई दे रही है, एक और चढ़ाने के बाद तीनू भी दिखाई देने लगेगा। चेस। अरे बापे। क्या हुआ? चाचा सपने में मार खाने पर तो लगती नहीं है, पर ये तो लग रही है। भतीजे सपना नहीं है, सच में है। मेरे अंकल को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। पहले मैं तेरे को जिंदा छोड़ूंगा तब ना। चाचा बाबू बाबू, अंजलि को कुमार के आते उठाकर ले गए हैं बाबू। देवी बाजमजनिंद देवास्ताम पंडित जी, मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी शुरू करो। शास्त्र के अनुसार शादी का जोड़ा सही सलामत रहे तो उसके लिए टाइम लगता है ना। हाँ, आप उसे सही सलामत रखो। ये क्या मुसीबत, कौन है तू? शादी में आया हूँ। तुझे किसने बुलाया है? कल रात आप ही ने तो कहा था कि कल शादी है, आ जाना। मैंने? हो सकता है मैंने पीकर बुला लिया हो। जा वहाँ बैठ। भैया भैया। हाँ, ये कहाँ से आ गए? ए रुको रुको, कौन हो तुम, यहाँ किसने बुलाया तुम्हें? नहीं तो कल रात को पीकर कहा था आने को। मैंने? हाँ भैया तुमने ही कहा था। मैंने पीकर कितने सारे लोगों को बुला लिया। चलो जाओ बैठो। शादी के लिए आए हो ना? मैंने कल रात को बोला था ना। चलिए चलिए चलिए। भतीजे कौन है लोग? मेरे भतीजे की शादी अनाथ की तरह नहीं होगी, इसीलिए मैंने पीकर सबको बुलाया। चलिए आइए आइए आइए। अरे एक और बस? उस बस को भी मैंने बुलाया भतीजे। आ जाइए आ जाइए। हाँ सब लोग इधर आ जाइए। कौन हो तुम लोग, किसने भेजा है? रात को पीकर मैंने कहीं नागा बाबू को तो फोन नहीं किया था। भतीजे तू बहुत भाग्यशाली है, चिरंजीवी के भाई नागा बाबू तेरी शादी में आए। देखी मेरी पहुंच है? देख कुमार, तू अंजलि से जबरदस्ती शादी कर रहा है, ये सीनू ने मुझे बताया। इज्जत से अंजलि को हमारे साथ जाने। ये सब क्या है, इतने सारे चिरंजीवी के फैंस के साथ आकर चलती शादी को रोकना ये अच्छी बात नहीं है। क्या कहा, बुरा क्या है अच्छा क्या है मुझे मालूम है, चल हट। बेटी अंजलि, क्या तुम शादी के लिए राजी हो? हाँ राजी हूँ। एक बार फिर सोच कर बोलो। जितनी बार पूछोगे मैं यही कहूंगी। अंजलि मैं, ओए सुन सिनो, लड़की अपनी मर्जी से शादी कर रही है और तुम बीच में क्यों आते हो? नहीं सर, अंजलि इस पर अंधविश्वास कर रही है, वो जानबूझकर इसकी बातों में आ रही है। अंजलि मेरी बात मानो, ये धोखेबाज है। क्यों सिनो? हाँ सर। क्या तुम्हें ये चीटर दिखता है? हाँ सर, ये धोखेबाज है। मुझे भी ऐसा ही दिखता है। हाँ अगर लड़की राजी है तो ये चीटर है या टीचर है इसमें हम क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स हम सिनो के लिए आए थे लेकिन लड़की बीच में आ गई। आप इतनी दूर आ गए हैं तो कुमार को शादी का आशीर्वाद देकर जाएंगे। ओके ओके, क्या बात बोली है भाई, हम मेरे भतीजे की शादी हो जाएगी। हाँ, आइए आइए बैठिए बैठिए भाई। और तू क्या खड़ा है, चल 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 जल्दी बैठ बैठ। आइए दादा आइए दादा। मातर नमामि कमले कमलाय दाक्षी श्री विष्णु कमलवासी विश्वमाताक्षी रोदजे कमल I don't know.
टाइम निकला जा रहा है, मंगल सूत्र कब पहनाओगे? रुको पंडित, मैं हूँ या तुम हो, मुहूर्त का टाइम अभी बाकी है। जो तेरी इच्छा हो। कुमार, एक मिनट। देखो बेटी, तो अपनी मर्जी से शादी कर रही है या फिर ये दबाव डालकर तुमसे शादी कर रहा है? सोच समझ कर बोलो, एक बार मंगलसूत्र पहन लिया तो जीवन भर उसकी रक्षा करनी पड़ती है। ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, मुंह से नहीं कह पाई लेकिन आंखों से कह दिया। स्वाति, hey! अंजलि, स्वाति, मैं एकदम ठीक हूँ। स्वाति, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? ये जबरदस्त से शादी कर रहा था। hey, पकड़ो इन्हें। अरे खड़े, देख क्या रहे हो, मारो इन्हें। अरे इन्हें कैसे मार सकते हैं, उन्हें तुमने समझा क्या है? ये सब चिरंजीवी के फैन हैं। अगर एक साथ मिलकर सब थू भी करेंगे ना तो सुनामी की तरह बह जाएंगे हम लोग। भाई, आपका ऑटोग्राफ चाहिए मुझे। किस लिए चाहिए? कुछ नहीं भाई, हमने उस लड़की पर दबाव डालकर उसे शादी के लिए तैयार किया, ये आपने कैसे जाना बताइए ना भाई। आफ्टर ऑल सीनू अकेला क्या करेगा ये बोले थे ना तुम, लेकिन वो चिरंजीवी का फैन है ये भूल गए थे। तुम इस शादी को दुनिया के किसी कोने में कर लो, लेकिन वहाँ भी चिरंजीवी के फैन मिलेंगे। किसी को खून चाहिए तो अपना खून देते हैं, किसी को आंखें चाहिए तो अपनी आंखें देते हैं। श्रद्धा से जुड़े हैं हमारे फैंस, देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें सराहा है। ये किराए का आत्म बल नहीं है, ये चिरंजीवी का बल है जो मिलकर वार करता है। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। भलाई के लिए सबसे पहले मैं आता हूँ, मेरे पीछे सहारे के लिए आपके कदम चाहिए और कुछ नहीं। हमारे भाई के साथ अन्याय हो ये हम कैसे देख सकते हैं? भाई अभिनय कहीं नहीं, उनके व्यक्तित्व के भी हम फैन हैं। सच बताएं तो भलाई के लिए किसी को भी मार सकते हैं, अन्याय करने वालों का मुंह तोड़ जवाब देते हैं, जितना हो सके उतना करते हैं। अगर राजी है तो आप भी हमसे हाथ मिला लो। क्या मजेदार बात कही है भाई, भतीजे खड़े खड़े देख क्या रहा है, आकर स्वाति को मंगलसूत्र पहना। मैंने ठीक कहा ना? इस तरह के आदमी से मैं कभी मंगलसूत्र नहीं बनवा सकती। जिसने जिंदगी बर्बाद की उसी से शादी करनी है, ये समाज कहता है तो फेंक दो ऐसे समाज का पाश। अरे भाई, अब कुमार की शादी होगी या नहीं होगी ये मुझे बताइए। जरूर होगी पंडित जी, अगर विश्वास ना हो पंडित जी तो एक नजर उधर देखिए। थैया मिलके करे थैया, आज भूले सारी दुनिया।